सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्क्रीन मेरिडियन। और कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये पांच छह चीजें जो यहाँ पर दी गई है हर एक मेरिडियन की, वो आपको याद रखनी है कि मेरिडियन की पोलैरिटी क्या है। तो स्क्रीन मेरिडियन क्या है? इंग मेरिडियन है। नंबर ऑफ पॉइंट्स टोटल स्क्रीन मेरिडियन में कितने हैं? तो 21 नंबर, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्क्रीन मेरिडियन आर 21। पर्टेनिंग ऑर्गन, स्क्रीन का पर्टेनिंग ऑर्गन खुद स्क्रीन है। उसका कपल ऑर्गन स्टमक है। ये भी मैंने आपको दो तीन बार कल रिपीट किया था कि 12 मेन मेरिडियन का पर्टेनिंग ऑर्गन, हम वो जो जो उसका जो पाथवे है वो किस पे जाता है, और मेरिडियन का पाथवे खुद उसके ऑर्गन पे जाता है। इससे पर्टेनिंग ऑर्गन जो है वो जो मेरिडियन का नाम होता है वही पर्टेनिंग ऑर्गन है, एक्सेप्ट जीवी एंड सीवी। अगर जीवी का पर्टेनिंग ऑर्गन पूछा है तो आपको सीवी लिखना है, और सीवी का पर्टेनिंग ऑर्गन लिखा है तो आपको जीवी करना है। यानी डीयू मेरिडियन का जो है वो रेन मेरिडियन पर्टेनिंग ऑर्गन है, और रेन मेरिडियन का जो है वो आपका डीयू मेरिडियन पर्टेनिंग ऑर्गन है। एक्सेप्ट दैट ऑल द 12 मेरिडियन का जो पर्टेनिंग ऑर्गन है, जो मेरिडियन है वो ही उसका पर्टेनिंग ऑर्गन भी है। कपल्ड ऑर्गन स्टमक है। इसका एलिमेंट अर्थ है, तो हमने जब फाइव एलिमेंट किया उसमें हमने इंग और यांग दोनों देखे थे। तो अर्थ एलिमेंट में इंग जो है वो स्प्लीन है और यांग जो है वो स्टमक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्प्लीन मेरिडियन। तो ये हमारा स्प्लीन मेरिडियन इंग है और इसका एलिमेंट अर्थ है। एनर्जी फ्लो सेंट्रीपिटल है। एनर्जी फ्लो सेंट्रीपिटल इसलिए है क्योंकि ये पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब पैरों के अंगूठे से शुरू होके और फिर सेंटर ऑफ द बॉडी में जा रहा है, इसलिए इसका एनर्जी फ्लो हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो इज सेंट्रीपिटल। डिजीजेस यूज क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है स्प्लीन मेरिडियन का? डिजीज अलोंग द चैनल, जहां जहां से ये चैनल जाएगी वहां वहां के रिलेटेड जो भी डिजीज होंगे उसको वो ठीक करेगी। डिसऑर्डर्स ऑफ स्प्लीन, पैनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। सो डिसऑर्डर ऑफ स्प्लीन पे तो करेगा ही क्योंकि स्प्लीन मेरिडियन है, स्प्लीन के साथ एसोसिएटेड पैनक्रियाज है। सो पैनक्रियाज रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी स्प्लीन मेरिडियन तो का हम यूज करेंगे, और सभी प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए भी स्प्लीन मेरिडियन का यूज करेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इम्यून मैकेनिज्म डिसऑर्डर। तो आपका जो इम्यून मैकेनिज्म है वो आपका इसमें अकॉर्डिंग टू द TCM थ्योरी में जब आप देखोगे तो TCM थ्योरी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड इम्यून डिसऑर्डर दोनों ही टाइप के डिसऑर्डर्स जो है वो आप स्प्लीन मेरिडियन में देखोगे। देन स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन डिसऑर्डर मोस्टली हम जो है वो लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ही देखते हैं। सम टाइप्स ऑफ स्किन, कुछ कुछ टाइप के ऐसे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो हम स्किन से भी ठीक करते हैं। जो बेसिकली एलर्जिक स्किन वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम यहाँ पर स्प्लीन मेरिडियन में लेते हैं। जो हमने एक्ने, पिंपल्स या सोराइसिस देखा था वो सारा हमारा लंग या लार्ज इंटेस्टाइन में आया था, लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे स्किन के हैं जो यहाँ पर भी स्प्लीन में होते हैं जो हम देखेंगे। एडिमास एंड एसाइटिस, कोई भी एडिमास है कहीं पे भी पानी भरा है तो वो एसाइटिस है, कहीं पे भी पानी भर जाता है तो एसाइटिस उसको बोलते हैं। तो एडिमास है, सूजन है, एसाइटिस है, वो सारा डिजीजेस हमारे स्प्लीन मेरिडियन से हम ले सकते हैं क्लिनिकल यूज। पेरिनियल, एक्सटर्नल जेनिटल एंड पेल्विक डिसऑर्डर्स। तो आपके जितने भी जेनिटल ऑर्गन के डिसऑर्डर्स हैं, स्पेसिफिकली फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए तो स्प्लीन मेरिडियन बहुत ही अच्छा है, और उसका जो मेन पॉइंट है वो स्प्लीन 6 है। तो आपको स्प्लीन 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ स्प्लीन मेरिडियन में, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटल पेल्विक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करता है। इसके अलावा फीमेल्स के रिलेटेड जितने भी गायनिक डिसऑर्डर्स हैं वो स्प्लीन 6 से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। इसके अलावा स्प्लीन 6 ऐसा पॉइंट है जिसमें कि हमारे 3 मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। अगर हमने जो लिस्ट देखा था तो पैर के 3 इंग मेरिडियन जो है उसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट, तीनों का कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो स्प्लीन 6 है। तो स्प्लीन 6 को करने से, हम ट्रीटमेंट करने से हम किडनी, लिवर और स्प्लीन तीनों को कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिसऑर्डर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, मसल एंड टेंडन। तो मसल एंड टेंडन आपको स्प्लीन में लेना है। लिप्स एंड माउथ कैविटी। सो ये ओपन जो है ये लिप्स पे ओपन होता है, माउथ कैविटी जो है। सो लिप्स एंड माउथ कैविटी का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्प्लीन मेरिडियन से उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्प्लीन मेरिडियन का हमारे सिलेबस में है, दैट इज स्प्लीन 6, मीटिंग पॉइंट ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। तो हमने ये कल ही देख लिया था, कल नहीं परसों भी हमने देखा था, जब लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स का लिस्ट हमने देखा था तब हमने ये लेग में 2 लियो कनेक्टिंग पॉइंट हमारे थे ना, तो एक हमारा स्प्लीन 6, उसमें से एक जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा स्प्लीन 6 है। तो स्प्लीन 6 पे लिवर किडनी के, स्प्लीन लिवर एंड किडनी हमारी तीनों मिलती है।
लोकेशन ऑन द मेडियल साइड ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग में हमारे ऑन द मेडियल साइड, अंदर की साइड में, मेडियल इज अंदर का साइड, लैटरल मतलब बाहर की साइड, अंदर का साइड मतलब अंगूठे के साइड से जो टखना से अंगूठे के साइड से ऊपर जाएंगे तो वो हमारे पैर का अंदर का साइड है, इनर साइड है, जिसको हम मेडियल साइड बोलते हैं। छोटी वाली उंगली का साइड जो हमारा है वो लैटरल साइड है। तो हमारा ये जो स्प्लीन सिक्स है ये कहाँ पर है? मेडियल साइड में है। तो ऑन द मेडियल साइड ऑफ द लोअर लेग थ्रू थ्री जून सुपीरियर टू द प्रोमिनेंस ऑफ मेडियल मेलेलिस। तो आपका जो अंदर का टखना है तो अंदर की टखने को क्या बोलते हैं? मेडियल मेलेलिस। तो मेडियल मेलेलिस से आप जो सबसे ऊपर उपसा हुआ हिस्सा उसका है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से अगर आप उसको थ्री चून लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लीन सिक्स मिलता है। इन द डिप्रेशन क्लोज टू द मेडियल क्रेस्ट ऑफ टीबिया। तो यहाँ पर मेडियल क्रेस्ट ऑफ टीबिया जो हमारा बोन है, टीबिया बोन का मेडियल क्रेस्ट है, वहीं पे आपको हड्डी पे नहीं, हड्डी से जस्ट नीचे आपको ये वाला पॉइंट लेना है, स्प्लीन सिक्स पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है कि आपका आउटर इनर मेलेलिस जो है, तो इनर मेलेलिस को मेडियल मेलेलिस कहते हैं। तो मेडियल मेलेलिस के हाईएस्ट पॉइंट से आप जब थ्री जून ऊपर जाते हो तो आपको ये पॉइंट मिलता है स्प्लीन सिक्स। स्प्लीन सिक्स के लिए आपको याद रखना है कि ये मीटिंग पॉइंट है तीनों, जो पैर की तीनों इंग मेरिडियन है, लिवर, स्प्लीन और किडनी, तीनों का ये मीटिंग पॉइंट है। इसके एक्शन टोनिफाई स्प्लीन एंड स्टमक। स्प्लीन एंड स्टमक को तो वो टोनिफाई करेगा ही। स्प्लीन सिक्स रिजॉल्व्स डैम्पनेस, अगर बॉडी में कहीं पे भी डैम्पनेस है जिसको हम ह्यूमिडिटी समझते हैं, तो रिजॉल्व्स डैम्पनेस, कहीं पे भी भेज जिसको हम बोलते हैं, भेज जैसा है कहीं पे भी, उसको रिजॉल्व करता है। हार्मोनाइजेस द लिवर, टोनिफाइज द किडनी। आप अब ये देखो स्प्लीन सिक्स किस किस को हेल्प कर रहा है? स्प्लीन को भी हेल्प कर रहा है, स्टमक को भी हेल्प कर रहा है, लिवर को भी हेल्प कर रहा है, किडनी को भी हेल्प कर रहा है। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आर बॉडी। रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन एंड इंड्यूसेस लेबर। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन, इसलिए मैंने आपको बोला कि फीमेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इंड्यूसेस लेबर, इंड्यूस करता है ये लेबर को, मतलब कि आपके लेबर पे इनको ये हेल्प करता है। अगर किसी का टाइम आ गया है डिलीवरी का लेकिन उसमें पेन ही नहीं हो रहा है, तो जब तक पेन नहीं होगा तब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इंड्यूस लेबर करने के लिए ये पॉइंट को यूज हुआ करते हैं, ताकि लेबर पेन शुरू हो और बच्चा इजीली जो है वो डिलीवर हो सके। सो इंड्यूसिंग लेबर के लिए भी स्प्लीन सिक्स यूज होता है। हार्मोनाइजेस द लोअर जीआउ, तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि ये हार्मोनाइजेस द लोअर जीआउ, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टल पॉइंट है वो डिस्टल पॉइंट के लिस्ट में भी ये पॉइंट है ना, स्प्लीन सिक्स। सो हार्मोनाइजेस द लोअर जीआउ। रेगुलेट्स यूरिनेशन एंड बेनिफिट्स द जेनिटल, तो ये यूरिनेशन को भी रेगुलेट करता है और जेनिटल्स को भी हेल्पफुल है। सो एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल फीमेल जेनिटल में, अगर कोई भी एक्सटर्नल जेनिटल है या इंटरनल जेनिटल का कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी आप स्प्लीन सिक्स को यूज कर सकते हैं। काम्स द स्पिरिट, इनविग्रेट्स द ब्लड, ब्लड को भी हेल्प करता है, एक्टिवेट्स द चैनल एंड एलिवेट्स पेन। तो स्प्लीन सिक्स के बहुत सारे इंडिकेशन है, लेकिन इंडिकेशन वही रहेंगे जो हमने एक्शन देखा उसी से रिलेटेड सारे इंडिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फीमेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, या यूट्राइन ब्लीडिंग है, या मेनोर्जिया है मतलब हैवी ब्लीडिंग है, या एमनोरिया है विच इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, या डिसमेनोरिया है जैसे कि पेनफुल पीरियड्स है, या ल्यूकेरिया है जिसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, या यूट्राइन प्रोलैप्स है, यूट्रस अपनी जगह से जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज यूट्राइन प्रोलैप्स। तो आपका अगर यूट्राइन प्रोलैप्स है तो उसमें भी आप स्प्लीन सिक्स को यूज कर सकते हो। इनफर्टिलिटी में भी स्प्लीन सिक्स के रिजल्ट अच्छे हैं। डिलेड लेबर में हमने पहले ही बात कर ली है कि बहुत अच्छे रिजल्ट स्प्लीन सिक्स के हैं। इसके अलावा रिटेंशन ऑफ डेड फीटस, अगर फीटस अगर मिसकैरेज हुआ है और कुछ अगर डेड फीटस अंदर रह गया है, तो उसके रिटेंशन अगर रह गया है तो तब भी स्प्लीन सिक्स देने से वो रिटेंशन ऑफ द डेड फीटस है उसमें भी हेल्प करता है। स्प्लीन एंड स्टमक डेफिशिएंसी, स्प्लीन डेफिशिएंसी विथ हैवी ब्लड, हैवीनेस ऑफ द फोर लिम्स, कहीं पे भी सूजन अगर आई हुई है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, अनबियरेबल पेन इन बिलो द एम्ब्लिकस, तो उसके नीचे का तो ये डिस्टल पॉइंट है ही, तो अनबियरेबल पेन बिलो द एम्ब्लिकस अगर है तब भी आपको स्प्लीन सिक्स यूज करना है। फुलनेस एंड डिस्टेंशन ऑफ हार्ट एंड एब्डोमेन, नो डिजायर टू ईट एंड ड्रिंक, वॉमिटिंग ऑफ फ्लूइड आफ्टर ईटिंग, तो खाना खाने के बाद अगर तुरंत किसी को वॉमिटिंग आती है तब भी आप स्प्लीन सिक्स का पॉइंट जो है वो आप उस पेशेंट को दे सकते हो। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्प्लीन सिक्स, और क्लिनिकली जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये पॉइंट लगता ही है।
यहाँ पर हमने फीमेल डिसऑर्डर्स देखी, ऐसे ही मेल जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या जेनिटल प्रॉब्लम्स है उसमें भी स्प्लीन सिक्स को यूज करते हैं, चाहे वो सेमिनल इमिशन का प्रॉब्लम हो या सेमिनल इमिशन विथ ड्रीमिंग, कभी कभी ये जिसको स्वप्न दोष कहते हैं सेमिनल इमिशन विथ ड्रीमिंग, तो उसमें भी स्प्लीन सिक्स काम आता है, इम्पोर्टेंस में भी काम आता है, पेन ऑफ द जेनिटल्स, अगर जेनिटल्स में पेन है वेदर इट इज मेल फीमेल दोनों में ही स्प्लीन सिक्स काम आता है, पेन ऑफ द पेनिस है, कॉन्ट्रैक्टेड टेस्टिकल्स है, तो एनी जेनिटल ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम वेदर इज रिलेटेड टू मेल और फीमेल, स्प्लीन सिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। डिफिकल्ट यूरिनेशन में, एन्यूरिसिस में, पेनफुल यूरिनेशन डिसफंक्शन में, आपका यूरिन का कलर जो है वो यूरिन का जो है वो क्लियर की जगह अगर क्लाउडी है, विथ वाइट टर्बिडिटी अगर वो है तब भी आप स्प्लीन सिक्स दे सकते हैं, पैल्पिटेशंस में स्प्लीन सिक्स दे सकते हैं, इंसेमिनिया के लिए स्प्लीन सिक्स है, गॉलब्लैडर डेफिशिएंसी के लिए भी आप स्प्लीन सिक्स यूज कर सकते हैं, और बच्चों में एकदम से जो बच्चे डरते हैं सडन फ्राइट डिसऑर्डर इन जनरल, उसके लिए भी स्प्लीन सिक्स आप यूज कर सकते हैं। सो स्प्लीन सिक्स और पैर में ये पॉइंट है, तो पैर का कोई भी प्रॉब्लम है चाहे लेग में पेन है या फिर आपको एट्रोफी डिसऑर्डर्स हैं पैर के या पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर लिम्ब है, पैरों में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप स्प्लीन सिक्स को यूज कर सकते हो, चाहे वो पैरालिसिस की वजह से हो, चाहे पैरों में जो है वो बहुत ज्यादा पैर आपको गर्म लगते हो तब भी आप स्प्लीन सिक्स यूज कर सकते हो, एक्जिमा अर्टिकेरिया में भी आप यूज कर सकते हो, जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास अगर आपके स्किन रैशेज हो रहे हैं तो वहां पर भी आप स्प्लीन सिक्स यूज कर सकते हो। तो स्प्लीन सिक्स के बहुत सारे जो है वो इंडिकेशंस है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्प्लीन सिक्स का मेन ये है कि वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, किडनी लिवर और स्प्लीन तीनों जो इन मेरिडियन है लेग के उसका वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है स्प्लीन सिक्स, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो फॉर ऑल द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फॉर, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन डिसऑर्डर्स। तो जेनिटल ऑर्गन के कोई भी मेल फीमेल प्रॉब्लम होगा तो आपको स्प्लीन सिक्स यूज करना है। अभी स्प्लीन नाइन, तो स्प्लीन नाइन हमारा जो है फाइव एलिमेंट में हीशी पॉइंट है, तो इंग मेरिडियन के जितने भी हीशी पॉइंट है वो हमारे वाटर पॉइंट है, तो ये हमारा जो स्प्लीन नाइन है वो स्प्लीन मेरिडियन का हीशी पॉइंट है, वाटर पॉइंट है ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन। इसका लोकेशन ऑन द मेडियल साइड ऑफ द लोअर लेग इन द डिप्रेशन ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द मेडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, सो ये हमारा मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया है, उसका एंगल पे यहाँ पर ये जो पॉइंट हमको मिलता है दैट इज स्प्लीन नाइन एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया। ये टीबिया की पोस्टीरियर बॉर्डर, ये जो बोन आपको दिखाई दे रहा है लंबा, ये हमारा जो है ये टीबियल बोन है, और ये टीबियल बोन का जो एंगल है वहां पर, और ये मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया है, इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, वहां पर हमारा ये पॉइंट स्प्लीन नाइन है। तो स्प्लीन नाइन के लिए आपको क्या रखना है, ऑन द मेडियल साइड ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग पैरों के मेडियल साइड में, इन द डिप्रेशन इन द एंगल फॉर्म बाय द मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया। तो मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया है, उससे जो एंगल बनता है वहां पर ये पॉइंट हमारा स्प्लीन नाइन पॉइंट है। स्प्लीन नाइन के लिए आपको याद रखना है कि वो हीशी पॉइंट है, वॉटर पॉइंट है स्प्लीन जनरल का। तो स्प्लीन सिक्स जो था वो लोअर कनेक्टिंग पॉइंट था, थ्री मेरिडियन वहां पे पैर की मिलती है। स्प्लीन नाइन के लिए आपको याद रखना है कि वो हीशी पॉइंट है, वॉटर पॉइंट है स्प्लीन चैनल का। इसका एक्शन क्या है स्प्लीन नाइन का, रेगुलेट्स द स्प्लीन एंड रिजॉल्व्स डैम्पनेस। तो ये स्प्लीन को रेगुलेट करता है, बॉडी में कहीं पे भी डैम्पनेस है तो उसको ये रिजॉल्व करता है, ओपन्स एंड मूव्स द वॉटर पैसेजेस, कहीं पे भी पानी भर गया ऐसा लग रहा है तो वहां पर आप उसके लिए भी आप स्प्लीन नाइन पॉइंट को यूज कर सकते हो। बेनिफिट्स द लोअर जीआई, तो आपका स्प्लीन के कोई भी पॉइंट होंगे वो लोअर जीआई को तो बेनिफिट करने ही वाले हैं। लोअर जीआई में क्या है, हमारे सारे जेनिटल ऑर्गन्स है, इसके अलावा हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सारे हमारे लोअर जीआई में है, तो स्प्लीन का कोई भी पॉइंट आप लोगे उसमें बेनिफिट द लोअर जीआई तो आएगा ही। स्प्लीन नाइन है हमारा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कोल्ड एंड पेन ऑफ एब्डोमेन, पेन ऑफ लोअर एब्डोमेन, कटिंग पेन इन द मिडल ऑफ द इंटेस्टाइन, नो डिजायर टू ईट, जॉन्डिस में भी स्प्लीन नाइन पॉइंट लेते हैं, सडन टर्मोइल डिसऑर्डर, डायरिया, डायरिया में भी स्प्लीन नाइन आप यूज करो, सडन डायरिया विथ अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, डिसेंट्रिक डिसऑर्डर, एडिमास में स्वेलिंग में, तो ये बेस्ट पॉइंट है, कहीं पे भी स्वेलिंग है फुल बॉडी में, कहीं पे भी स्वेलिंग है तो स्प्लीन नाइन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, एंड स्पेशली इनटू द लोअर लिम्ब।
रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन आपका पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा है, रिटेंशन रहता है, ड्रॉप्स ड्रॉप यूरिन आ रहा है और कुछ आपको ऐसा लगता है कि फुल्ली आपका जो यूरिन होना चाहिए वो नहीं होता है जो लेटर एजेस में होता है, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन जो है उसमें भी स्प्लीन लाइन देने से आपका यूरिन टोटली आप जो है उसको फ्लश कर सकते हो। डिफिकल्ट यूरिनेशन में भी आप स्प्लीन लाइन दे सकते हो, नॉट ओनली रिटेंशन ऑफ यूरिन बट अगर यूरिनेशन डिफिकल्ट हो रहा है तो उसके लिए भी आप ले सकते हो। सेमिनल इमिशन के लिए आप स्प्लीन लाइन ले सकते हो, ल्यूकेरिया के लिए ले सकते हो, पेन इन द जेनिटल्स के लिए भी स्प्लीन लाइन आप ले सकते हो। फुलनेस ऑफ द हार्ट, फुलनेस ऑफ द लेटरकोस्टल रीजन, सो आपका इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहां पर भी अगर आपको फुलनेस लगती है, हैवीनेस लगती है तो आप स्प्लीन लाइन ले सकते हैं। डिस्पोनिया विद इनएबिलिटी टू लाई डाउन, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जब आप लेटते हैं तो उस टाइम पे भी आप स्प्लीन लाइन को यूज कर सकते हैं। हीट इन द चेस्ट, अनरिमिटिंग कॉल्स एंड चिल्स एंड फीवर, लंबर पेन, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ नी, तो घुटने के पास में ही ये पॉइंट है आपका, तो आपका ये हमने बात की थी जब लोकेशन भी देखा था तब, स्प्लीन लाइन जो है और हमारा ST36 है ये एंड गॉलब्लैडर 34, ये तीनों एक ही लाइन में है। ST9 जो हमारा है वो मेडियल साइड में है और हमारा जो ST36 है वो टीबिया के एकदम पास में है, और गॉलब्लैडर 4 जो हमारा है वो लेटरल साइड ऑफ पैर में है, लेकिन ये एक ही लाइन में जो है वो ये सारे पॉइंट्स हैं। सो लंबर पेन एंड स्वेलिंग ऑफ नी, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नी, उस सब के लिए आप स्प्लीन लाइन यूज कर, मेल फीमेल दोनों के लिए। स्प्लीन 10 जो है ये बेस्ट एंटीहिस्टामाइन पॉइंट है हमारे बॉडी का, तो आपको कोई भी एलर्जी जब होती है तो आपको हिस्टामाइन एंटीहिस्टामाइन ड्रग जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो दिस इज SP10 को हम बेस्ट एंटीहिस्टामाइन पॉइंट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एलर्जिक कंडीशन ऑफ द बॉडी अगर है तो उसमें स्प्लीन 10 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, तो आपके पेपर में भी अगर एलर्जी के लिए अगर हम कोई चीज, स्किन एलर्जीज है किसी भी टाइप का एलर्जीज, तो कंफ्यूजन होगा लंग को टिक करें या स्प्लीन को करें, तो एलर्जीज में जनरली जो है वो हम स्प्लीन के पॉइंट यूज करते हैं और उसमें भी स्प्लीन 10 जो है वो बेस्ट हमारा जो है वो एंटीहिस्टामाइन पॉइंट है बॉडी का। सो 2 चून प्रॉक्सिमल टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पटेला, पटेला ही हमारा ये जो नी कैप है इसको हम पटेला बोल रहे हैं, पटेला से 2 चून ऊपर स्प्लीन 10 है, तो यहाँ पर मेडियल साइड में स्प्लीन 10 है और आउटर साइड में हमने स्टमक मेरिडियन देखा था ना, तो मेडियल अगर हम पटेला से 2 चून ऊपर मेडियल साइड में जाते हैं तो स्प्लीन 10 मिलता है, और पटेला से हम अगर लेटरल साइड में 2 चून ऊपर जाते हैं तो ST34 मिलता है। तो कौन से लेवल पे कौन से पॉइंट्स है ना वो भी आप लोग साथ साथ में याद करो, जैसे हम रिस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर हमको लंग 9 मिलता है, यहाँ पेरिकार्डियम 7 मिलता है और यहाँ पर हमको हार्ट 7 मिलता है, हम एल्बो पे जब हम आते हैं तो हमको लेटरल साइड में जो है LI-11 मिलता है, मेडियल साइड में पेरिकार्डियम 3 मिलता है, हमारे जो बीच में है वो हमको पेरिकार्डियम 3 मिलता है और मेडियल साइड में हमको H3 मिलता है, हम जब शोल्डर में आते हैं तो शोल्डर में हमको LI-15 मिलता है, हमको TW-14 मिलता है और स्प्लीन 9 मिलता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप पॉइंट्स को याद रखें कि कौन से पॉइंट्स हमको कहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम एंकल पे जाएंगे तो एंकल पे हमको गॉलब्लैडर हमको 40 मिलेगा, ST-41 मिलेगा, UB-60 मिलेगा, Kidney-3 मिलेगा, ये हमको सब हमको एंकल के आसपास पॉइंट मिलते हैं। तो जब हम नी के आसपास आते हैं तो नी के आसपास में नी के नीचे कौन से पॉइंट है, नी के ऊपर कौन से पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो नी के हमारा जो पटेला है उससे 2 चून ऊपर जब हम जाते हैं तो अंदर की साइड मेडियल साइड, तो आपको क्या याद रखना है, मेडियल साइड, तो नी में जब हम पटेला से 2 चून ऊपर जब हम मेडियल साइड में जाते हैं तो स्प्लीन 10 है, वही हम पटेला से अगर हम लेटरल साइड में 2 चून ऊपर जाते हैं तो हमारा पॉइंट वहां पर ST-34 है, और स्प्लीन 10 जो हमारा है वो एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जीज अगर बॉडी में है तो उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है स्प्लीन 10, और ST-34 जो हमारा इसी के लेवल में जो पॉइंट है वो कोई भी एक्यूट डिसऑर्डर्स ऑफ स्टमक है तो उसके लिए वो पॉइंट है जिक्लेफ पॉइंट है, वो हमारा इसका स्टमक मेरिडियन का जिक्लेफ पॉइंट ही है ना, सो जिक्लेफ पॉइंट है हमारा स्टमक मेरिडियन का, डेट इज ST-34 हमारा उसका जिक्लेफ पॉइंट है, सो ये आपको याद रखना है। तो स्प्लीन 10 किसी भी प्रकार की इमरजेंसीज किसी भी प्रकार की एलर्जीज के लिए यूज होगा, और ST-34 हमारा जो है स्टमक की कोई भी एक्यूट कंडीशन है उसके लिए यूज होगा, दोनों ही एक ही लेवल पे है, नी के पटेला से 2 चून ऊपर ही दोनों पॉइंट है,
तो पटेला से दो चून ऊपर जो मेडियल साइड में है वो स्प्लीन 10 है, पटेला से दो चून ऊपर जो लैटरल साइड में है वो ST34। बार बार क्यों बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। ST34 हमने कल देख लिया था, लेकिन जब उसी लेवल पर दूसरा पॉइंट आ रहा है तो रिपीट कर रही हूँ, तो रिपीट करने से वो चीज आपको याद रह जाएगी, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। स्प्लीन 10 का इनविग्रेट्स द ब्लड एंड डिस्पेल स्टेटस कूल्स ब्लड, ब्लड को ये शांत करता है, इसीलिए किसी भी प्रकार की एलर्जीज में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हार्मोनाइजेस मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन को भी हार्मोनाइज करता है और स्किन को भी बेनिफिट करता है। तो किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जीज वगैरह होंगी तो उसमें आप स्प्लीन 10 को ले सकते हैं। स्प्लीन 10 जैसे स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9 हमने किया, वैसे इंडिकेशन इसके भी रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में डिसमेनोरिया, एमनोरमिया, मतलब कोई भी आपका गायनेकोलॉजिकल मोस्टली डिसऑर्डर्स है वो सब इसमें आ रहे हैं, चाहे आपका मेंसेस पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे आपका नो मेंस्ट्रुएशन हो या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो। सो डिसमेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, एमनोरिया इज नो मेंस्ट्रुएशन, यूट्राइन ब्लीडिंग है, यूट्राइन ब्लीडिंग कंटेनिंग क्लॉट, सडन यूट्राइन ब्लीडिंग, पोस्टपार्टम जी एन ब्लड डेफिशिएंसी, अर्टिकारिया जो कहीं पे भी खुजली आती है, अर्टिकेरिया, एक्जिमास, सो उस सब में आपका स्प्लीन 10 का रिजल्ट अच्छे हैं। हर्पीस जोस्टर है, एक्जिमास में स्पेशली स्प्लीन 10 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, हर्पीस में भी स्प्लीन 10 का रिजल्ट अच्छा है। पेनफुल हॉट सोर, अल्सरेशन एंड इचिंग ऑफ द स्क्रोटम, अगर स्क्रोटम मेल जेनिटल पार्ट जो है स्क्रोटम उसमें भी अगर इचिंग है तो स्प्लीन 10 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पेन एंड इचिंग ऑफ द जेनिटल, सो इवन फीमेल ऑफ द जेनिटल इचिंग में भी आप स्प्लीन 10 को ले सकते हो। ल्यूकेरिया, द फाइव टाइप्स ऑफ पेनफुल यूरिनरी डिस्फंक्शन, यूरिनरी रिलेटेड कोई भी डिस्फंक्शन होगा तो आप स्प्लीन 10 ले सकते हो। पेनफुल यूरिनरी डिस्फंक्शन, ब्लड पेनफुल यूरिनरी, यूरिनरी डिस्फंक्शन किसी भी प्रकार का होगा तब भी आप इसको ले सकते हो। पेन ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, तो क्योंकि ये थाई में इनर एस्पेक्ट में ही ये पॉइंट है, तो इनर एस्पेक्ट पेन ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में आप ये पॉइंट स्प्लीन 10 को ले सकते हो। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्प्लीन 10, लेकिन बेसिकली एलर्जीज के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, लाइक अर्टिकेरिया, एक्जिमा, हर्पीस जोस्टर्स, ये सारे जो है, ये इचिंग है कहीं पे भी जेनिटल ऑर्गन्स में, मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन में इचिंग है तो आपको स्प्लीन 10 का पॉइंट आपको लेना है। सो वो इम्पोर्टेंट है आपको जो स्प्लीन 10 के लिए याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि इट इज विद द लेवल ऑफ ST34 का लेवल के साथ है। ST34 लेटरल साइड में आता है, ST10 जो है वो मेडियल साइड में आता है, और स्प्लीन 6 जो हमने किया था वो स्प्लीन 6 हमारे तीन मेरिडियन मिलते हैं, लिवर, किडनी एंड आपका स्प्लीन, तीनों मिलते हैं स्प्लीन 6 पे। स्प्लीन 9 जो है बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग या एडिमास है तो स्प्लीन 9 स्वेलिंग, फुल बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग है तो उसके लिए स्प्लीन 9 हम यूज करते हैं। स्प्लीन 15, स्प्लीन 15 जो हमारा है, ये जो हमारी नाभि है, ये नाभि से जब हम 4 चुन जाएंगे तो हमको जो है वो स्प्लीन 15 मिलता है, 4 चुन लेटरल। सो ऑन द एब्डोमेन इन द डिप्रेशन एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टम एब्डोमिनिस मसल लेवल विद द एम्ब्लिकस, एम्ब्लिकस से जब हम 4 चुन जाएंगे तो हमको ये पॉइंट मिलता है स्प्लीन 15। अच्छा, ये एम्ब्लिकस वाला जो पॉइंट है ना, इसको भी आप लोग याद रखो, द पॉइंट ऑन द एम्ब्लिकस इज रेन 8। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि एम्ब्लिकस पे जो पॉइंट है वो रेन 8 है। रेन 8 से जब हम 2 चुन जाते हैं तो वहां पर जो हमको पॉइंट मिलता है वो स्टमक का पॉइंट मिलता है, स्टमक 25। तो वापस से मैं वही कह रही हूँ कि एक लाइन में जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे हमने घुटने पे देखे कि अंदर के साइड पे जो हमारा है वो स्प्लीन 9 है, उसके बाद मेडियल साइड में स्प्लीन 9 है, फिर टीबिया के क्रेस्ट पे हम लोग जब आते हैं तो हमारा जो है वो ST36 है, और जब हम लेटरल साइड ऑफ द लेग में आते हैं तब हमारा गॉलब्लैडर 34 है। देखा हमने रिस्ट पे देखा कि जब अंगूठे की तरफ आते हैं तो लंग 9 होता है, मिडल में जब हम आते हैं तो पेरिकार्डियम 7 होता है, और जब हम रेडियल साइड में जब हम लोग आते हैं, सॉरी अल्नर साइड में जब हम लोग आते हैं तब हमारा हार्ट 7 होता है। इसी तरह से अब नाभि के आसपास के पॉइंट भी आपको याद रखने के, नाभि पे जो एक्यूपंचर का पॉइंट है जिसको हम कभी नीडल नहीं करते हैं, दैट इज रेन 8। हमने रेन 8 के बारे में बात किया था कि वहां हम मोक्ज़ा करते हैं, ठीक है, मोक्ज़ीबिशन हम कर सकते हैं वहां, अगर एक्यूट डायरियाज है तो वहां पर हम नमक रख के और इनडायरेक्ट मोक्ज़ीबिशन भी कर सकते हैं। तो नाभि वाला जो पॉइंट है वो हमारा रेन 8 है। वहां से अगर हम 2 चुन जाएंगे, हम नाभि से अगर 2 चुन, एम्ब्लिकस से 2 चुन जाते हैं तो वहां पर हमको पॉइंट स्टमक मेडियन का मिलता है, जो स्टमक 25 है, और स्टमक 25 से 2 चुन हम और लेटरल जाते हैं तो हमको स्प्लीन 15 मिलता है। सो द क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड डिफरेंटली।
अगर एम्ब्रेकस से आपको 4 जून पूछा गया है देन इट इज स्प्लीन 15। अगर आपको स्टमक 25 से 2 जून पूछा है देन ऑल्सो इट इज स्प्लीन 15। आई एम रिपीटिंग इट, स्प्लीन ST25 इज 2 जून फ्रॉम ग्रैंड 8। एम्ब्रेकस से 2 जून जो है वो स्टमक 25 है, और स्टमक 25 से 2 जून और जाओगे आप लेटरली तो आपको स्प्लीन 15 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रेन 8 जो पॉइंट है, नाभि का जो पॉइंट है, उससे जब आप 4 जून जाते हो तो आपको पॉइंट स्प्लीन 15 मिलता है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्प्लीन 15 ऑन बोथ साइड अगर है, अगर बोथ साइड पूछा है तो डिस्टेंस बिटवीन स्प्लीन 15 बोथ साइड इज 8 जून। डिस्टेंस बिटवीन आपका अगर रेन 8 से पूछा है स्प्लीन 15 का तो वो 4 जून है। अगर ST25 से आपको स्प्लीन 15 का अगर डिस्टेंस पूछा है तो डेट इज 2 जून, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इस पे टाइम दिया है। ठीक है, सो ये आपके एक ही लाइन में है, रेन 8 नाभि का जो पॉइंट है वो रेन 8 है, वहां से 2 जून आप जाओगे तो ST25 है, वहां से ST25 से और 2 जून जाओगे तो स्प्लीन 15 है। तो स्प्लीन 15 का लोकेशन हमारे नाभि से 4 जून है। और यहीं पे एक पॉइंट और आता है, नाभि से अगर रेन 8 से हम लेंगे तो रेन 8 से जो हमारा 0.5 जून पॉइंट आता है वो किडनी 16 है। तो किडनी 16, ST25, स्प्लीन 15 ये एक ही लाइन में है, किडनी 16, ST25 और स्प्लीन 15 एक ही लाइन में है। किडनी 16 जो हमारा है वो 0.5 जून है नाभि से, जो हमारा ST25 है नाभि से 2 जून है, और नाभि से स्प्लीन 15 हमारा 4 जून है। अभी क्वेश्चंस में कई जगह ये भी पूछा है स्प्लीन 16 से और आपका स्प्लीन 15 का डिस्टेंस, तो वो 3.5 जून होगा। इसलिए मैं ये आपके सारे वापस से मैंने आपको बताया कि रेन 8 नाभि से 0.5 जून, किडनी 16, नाभि से 2 जून ST25, नाभि से 4 जून स्प्लीन 15। ठीक है, सो किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। So, location of spleen 15 on the abdomen in the depression at the lateral border of the rectus abdominis muscle level with the ambricus. So, यहाँ पर जो muscle ये है, that is rectus abdominis muscle यहाँ पर है, उस पे ये point है, लेकिन इसका chun measurement भी मैंने आपको बता दिया है। Action क्या है spleen 15 का? Moves to chi and regulates intestine. Intestine को regulate करने के लिए ये point बहुत ही अच्छा है। वेट लॉस में भी स्प्लीन, ये जो सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया ना, किडनी 16 है, ST25 है और स्प्लीन 15 है, ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इंडिकेशन लोअर एब्डोमिनल पेन, कोल्ड एंड पेन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, कोल्ड और डैम्प डायरिया, डिसेंट्रिक डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन ऑफ हीट इन हाइपोगैस्ट्रियम विथ सिंगिंग, प्रोपेंसिटी टू सैडनेस, सिंगिंग inability to raise and move the forehead, copious sweating, कहीं पे भी sweating है तो भी आप कर सकते हो, sadness में भी कर सकते हो। spleen 15 is an important point for regulating the chi of large intestine. आपके लिए important है, spleen 15 is an important point for regulating the chi of large intestine. Large intestine की chi को regulate करने के लिए spleen 15 बहुत ही अच्छा point है। ठीक है, और हमने जो ST25 देखा वो मूवफ्रंट पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का, याद है आपको लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का मूवफ्रंट पॉइंट ST25 है, और ST25 से ही 2 जून पे ये स्प्लीन 15 पॉइंट है, इसीलिए स्प्लीन 15 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की चीक को रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो रिमेम्बर डेट लार्ज इंटेस्टाइन 25 इज द मूवफ्रंट पॉइंट ऑफ स्टमक मेरिडियन, एंड दैट स्टमक 25 इज 2 जून फ्रॉम द रेन 8 पॉइंट, and spleen 15 is 4 June from ren 8, and that is why spleen 15 is an important point for regulating the chi of large intestine. So it is indicated for treatment of diarrhea ke liye specially use hota hai, especially of cold and damp type due to inability to move the chi of large intestine. It is also used in treatment of constipation due to many different etiology. Constipation mein bhi spleen 15 use hota hai, lekin uska zyada use jo hai wo diarrheas ke liye. Both spleen 15 and 25 neighboring point are effective in treatment of variety of disorder of the intestine. तो जो आपने अभी यहाँ पे नाभि से हमने दो चुन पे ST25 देखा और वहां से और दो चुन जाते हैं तो spleen 15 देखा, ये दोनों ही पॉइंट जो है जो नाभि से दो चुन और चार चुन पे हैं, ये वैरायटी ऑफ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए काम आते हैं। क्लिनिकली हाउएवर ST25 प्रोमिनेंटली इज यूज्ड फॉर लूज स्टूल,
ST25 लूज स्टूल के लिए, डायरिया डिसेंट्री के लिए यूज होता है, और स्प्लीन 15 जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन मेरिडियन में हमने कितने पॉइंट देखे? हमने स्प्लीन 6 देखा, जो तीन इट्स अ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ 3 मेरिडियन। ठीक है, स्प्लीन 9 हमने देखा, बॉडी में कोई भी स्वेलिंग होगी तो आपको स्प्लीन 9 यूज करना है। स्प्लीन 10 हमने देखा, बॉडी में कोई भी एलर्जीज होंगी तो आप स्प्लीन 10 यूज करोगे। और फिर हमने अपना स्प्लीन 15 देखा, जो रेन हमारा रेन 8 है, नाभि पे ये पॉइंट है जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वैसे ST25 और स्प्लीन 15 दोनों ही आप कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के लिए ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि ST25 जो है वो लूज स्टूल के लिए ज्यादा यूज किया जाता है और स्प्लीन 15 जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। द नेक्स्ट मेरिडियन जो हमारा है वो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है। सो यूरिनरी ब्लैडर, जैसे मैंने बताया था, स्टमक मेरिडियन, गॉल ब्लैडर और ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, ये सबसे लंबे लंबे मेरिडियन है हमारे बॉडी के। सो सबसे ज्यादा पॉइंट जो हमारे मेरिडियन में है वो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के टोटल 67 पॉइंट है। और ये पूरा हमारा जो है ना, आगे आंख के पास से शुरू होके और पूरे सर में ये हमारा यूबी मेरिडियन चलता है, क्योंकि यूबी मेरिडियन की दो लाइन है, तो एक लाइन और दो लाइन पूरी जो है वो सर में होती है, तो दोनों तरफ दो दो लाइन हुई तो चार लाइन हो गई, तो पूरी चार लाइन हमारे जो स्कैल्प में है वो हमारे यूबी मेरिडियन की है। बैक में भी उसी तरह से एक 1.5 चून की दूरी पे चलती है और एक 3 चून की दूरी पे चलती है मिडल लाइन से। मिडल लाइन से 1.5 चून की दूरी पे और 3 चून पे ऐसी दो लाइन जो है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की चलती है, और पूरे पैर में ये नीचे जाती है और छोटी उंगली तक जाती है। तो बहुत लंबा जो रूट है, इसका रूट भी बहुत लंबा है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का, राइट? सो पोलैरिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन इज यांग, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 67, पर्टेनिंग ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर, कपल ऑर्गन इज किडनी, एलिमेंट इज वाटर एंड एनर्जी फ्लो इज सेंट्रीफ्यूगल। इसका सेंट्रीफ्यूगल क्यों है? क्योंकि ये बॉडी से और फिर पेरिफेरी पे जा रहा है। यूबी वन हमारा यहाँ पे शुरू होके और फिर अपने पैर की छोटी वाली जो उंगली है वहां तक इसका जाता है। क्लिनिकल यूजेस, स्पेस पॉइंट्स ऑफ द चैनल आर यूज मेनली फॉर आई डिसऑर्डर, क्योंकि हमारे आंख के पास यूबी वन और यूबी टू के पॉइंट है, इसलिए जो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के फेस पे पॉइंट्स है वो हमारे आईज डिसऑर्डर पे, आंख के डिसऑर्डर्स के लिए यूज होते हैं। बैक शो पॉइंट ऑफ द चैनल आर रिलेटेड टू, और जो हमने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर के जो पॉइंट्स है वो बैक शो पॉइंट्स भी है ना, सारे बैक शो पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के है, तो 12 के 12 इंटरनल ऑर्गन के जो बैक शू पॉइंट्स है वो भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर के हैं, और इनको हम लोग वी कॉल देम आल्सो अलार्म पॉइंट। याद है ना आपको, बैक शू और म्यूफ्रंट पॉइंट को अलार्म पॉइंट भी बोलते हैं। डोंट फॉरगेट इट दैट म्यूफ्रंट पॉइंट एंड बैक शू पॉइंट आर आल्सो कॉल्ड एज अलार्म पॉइंट। पॉइंट ऑन द लंबर रीजन आर यूज कॉमनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक एक एंड जेनिटो यूरिनरी डिसऑर्डर। पॉइंट ऑन द लोअर लिम आर यूज्ड for pain, muscular cramps and other local disorder points below the knee also serve as distal point. So urinary bladder का जो knee पे point है वो UB40 है, वो distal point है ना हमारे lower back और legs का, for the treatment of disease on the proximal course of the channel. तो आपको urinary bladder के जो face के point है वो आपको eye disorder के लिए use करने हैं, इसके जो 12 internal organ है उसके back shoe point भी आपको urinary bladder में मिलते हैं, जो इनके lower back के points है urinary bladder के वो lower back को के ट्रीटमेंट के लिए और अपना यूरोजेनिटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। जो पैर में है स्पेशली जो नी के पीछे जो पॉइंट है वो हमारा डिस्टल पॉइंट है UB50, जो हमारे लोअर बैक और पूरे लेग्स को फायदा करता है। सो हमारा जो सिलेबस पॉइंट है वो सबसे पहला हमारा ब्लैडर 2 पॉइंट है। ब्लैडर 1 जो होता है उसको कभी नीडल नहीं करते क्योंकि वो आग के बहुत पास होता है, ब्लैडर 2 को हम नीडल कर सकते हैं। सो ब्लैडर 2 हमारा जो है ये आईब्रो का जो इनर एंड है वहां पर हमको ये मिलता है, तो सुपीरियर टू द इनर कैंथस, ये हमारा ईयर का इनर कैंथस है जहाँ पर मेरा कर्सर अभी है, तो सुपीरियर, सो ये इनर कैंथस ऑफ द आई उससे ऊपर है। सुपीरियर टू द इनर कैंथस ऑफ द आई, इनर कैंथस इन द डिप्रेशन ऑफ द आईब्रो क्लोज टू इज मेडियल एंड, तो आईब्रो का मेडियल एंड ये है और लेटरल एंड ये है, तो आपका यूबी टू जो है वो आईब्रो के मेडियल एंड पे है। सुपीरियर टू द इनर कैंथस, तो ये आपका इनर कैंथस है, ये आउटर कैंथस ऑफ द आई है, ये इनर कैंथस, तो UBT2 जो आपका है वो इनर कैंथस ऑफ द आई से ऊपर सुपीरियर पे है, और आईब्रो के मेडियल एंड पे जो पॉइंट है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर 2 पॉइंट है। आपके पास है तो लोकल पॉइंट एज एन आईज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक्शन है इसका एलिमिनेट विंड एंड क्लियर हीट, बेनिफिट्स द आईज क्योंकि आपके पास है तो आईज को तो बेनिफिट करेगा ही, क्लियर द हेड एंड एलिवेट्स पेन, क्लियर द हेड एंड एलिवेट्स पेन,
मैं आपका इसमें हेडेक का भी इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा, अगर आपको सिर दर्द हो रहा और एक आपने नीडल अगर यहाँ पर यूबी टू पे लगाई, टूवर्ड्स द हेड आपने लगाई, तो इमीडिएटली जो है वो हेडेक चला जाता है। जनरली अगर आईज के लिए आपको बेनिफिट के लिए अगर यूबी टू को यूज करते हो तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द आईज। अगर आंख के लिए आप यूबी टू को यूज कर रहे हैं तो नीडल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द आई, लेकिन अगर आप हेडेक के लिए कर रहे हो तो द नीडल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द हेड और इमीडिएटली आपका जो हेडेक है वो रिलीफ हो जाता है। बहुत वंडरफुल रिजल्ट है, नीडल लगाते ही हेडेक चला जाता है। इंडिकेशन पेन ऑफ द आईब्रो रीजन, फ्रंटल हेडेक, हेड डिजीनेस, विंड डिजीनेस, नोज ब्लीडिंग, रिनाइटिस, स्नीजिंग, पेन ऑफ द फेस, रेड फेस एंड चेक पेन, चेक पेन, ब्लर्ड विजन, डिमनेस ऑफ विजन, आईज रिलेटेड, क्योंकि आईज के पास है तो आईज रिलेटेड सारा कुछ आएगा, हेमोराइड पेन, मैनिक बिहेवियर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ नेक। जनरली इट इज यूज एज एन लोकल पॉइंट ही, हमको जहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है एज एन लोकल पॉइंट फॉर आईज में ये पूछा गया है यूबी टू को। ब्लैडर 11, अब ये ब्लैडर 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यू मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स पॉइंट ऑफ द सी ऑफ ब्लड, तो इस पॉइंट को ब्लैडर 11 को सी ऑफ ब्लड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो नेम ऑफ दिस ब्लैडर 11 पॉइंट इज ऑल्सो नेम्ड एज सी ऑफ ब्लड एंड यूबी 11 इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। सो कैन यू राइट डाउन इट इज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर वॉट? इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की लिस्ट हमने देखी थी ना, तो अभी पूरा हम आगे जा रहे हैं तो पीछे वाला भूल मत जाओ। यूबी 11 इन्फ्लुएंशियल किसके लिए है? कैन वन और टू पीपल राइट इन टू द, ये जिनको भी आता है क्या वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यूबी 11 इन्फ्लुएंशियल किस चीज के लिए है? सो नॉट ओनली बोन्स बट बोन एंड कार्टिलेजेस, ठीक है। सो यूबी 11 हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, इट इज इन्फ्लुएंशियल फॉर बोन एंड कार्टिलेजेस। और इसका लोकेशन कहाँ है? तो हमारे थोरेसिक 1 वर्टीब्रा जो है उसके स्पाइनस प्रोसेस से अगर 1.5 चून हम जाएंगे बोथ द साइड, तो हमको ये बायलेटरली ये पॉइंट मिलता है, दोनों साइड ये पॉइंट मिलता है जो ब्लैडर 11 है। 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट थोरेसिक वर्टीब्रा, तो फर्स्ट थोरेसिक वर्टीब्रा के नीचे जब हम जाएंगे वहां से 1.5 चून हम दोनों तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट हमको ब्लैडर 11 का मिलता है। नहीं, यूबी 11 नहीं है वो, मेमोरी के लिए जो है वो डीयू 11 है। मेमोरी के लिए भावना जी यूबी 11 नहीं है, डीयू 11 था मेमोरी के लिए, ठीक है। सो यूबी 11 के लिए आपको याद रखना है कि यूबी 11 जो हमारा है वो बोन एंड कार्टिलेजेस के लिए हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, एंड उसका लोकेशन आपको याद रखना है कि थोरेसिक 1 जो वर्टीब्रा है उसके नीचे से हम जब जाएंगे जस्ट बिलो द T1 वर्टीब्रा दोनों साइड पे 1.5 चून जाएंगे तो वहां पर हमारा ब्लैडर 11 पॉइंट है। बेनिफिट्स द बोन एंड जॉइंट्स, एक्सपेल पैथोजेनिक फैक्टर्स एंड फॉर्म्स द एक्सटीरियर, रेगुलेट्स लंग ची एंड एलिवेट्स कर। अभी आपका ये जो हमने लंग ये यूबी 11 पॉइंट देखा ना, इसके साथ साथ आप याद करते रहो कि आपने और क्या सुना था। तो यहाँ पर आप जब यूबी 11 पे आते हो तो यहाँ पर ये T1 के नीचे जो हमारा पॉइंट आता है ये DU14 पॉइंट यहाँ पर आता है, तो DU14 से भी अगर हम 1.5 चून जाएंगे तो हमको ब्लैडर 11 मिलेगा और DU14 हमारे बॉडी का बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है। तो ये सब बार बार जब हम कोई चीज कर रहे हैं ना उसको बार बार रिपीट करो। तो DU14 से हम 1.5 चून जाते हैं तो हमको ब्लैडर 11 मिलता है और DU14 हमारे बॉडी का बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है। DU11 मेमोरी के लिए यूज हो रहा है एंड DU14 जो हमारा है वो बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है जो UB11 के लेवल पे है हमारा। सो कीप रिमेम्बरिंग एंड रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और इसीलिए वो यहाँ पर लिखा हुआ एक्शन में एक्सपेल्स पैथोजेनिक फैक्टर एंड फॉर्म्स द एक्सटीरियर। एक्सपेल्स पैथोजेनिक फैक्टर मतलब बाहर के जो पैथोजेंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको एक्सपेल कर रहा है क्योंकि वहीं पे हमारा पॉइंट DU14 आ रहा है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। एट द लेवल ऑफ T1 ही है ना, C7 के नीचे है लेकिन एट द लेवल ऑफ T1 ओनली यू विल हैव दैट DU14। इंडिकेशन ऑफ BL11 इज बोन डिजीज, रिजिडिटी ऑफ नेप ऑफ नेक, रिजिडिटी ऑफ स्पाइन, सोरनेस एंड पेन ऑफ बैक एंड स्कैपुला, लंबर रीजन, क्रॉनिक स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स दैट इज सिन्यूज एसोसिएटेड विद मैडनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑफ द नी, कफ, फुलनेस ऑफ चेस्ट, आपके ये चेस्ट एरिया के पीछे के साइड में ही ये है,
इसलिए रिलेटेड टू चेस्ट वाले जो भी होंगे वो सारे भी आएंगे. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट वही मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही हूँ. BL11 इज अ यू मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन एंड इट इज इंडिकेटेड फॉर वेरियस बोन डिजीज रिजिडिटी एंड पेन ऑफ नेक स्पाइन एंड लंबर रीजन. सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है इसलिए ये बोन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है. In modern clinical practice, it is used when painful obstruction due to pathogenic wind, cold, damp or heat penetrate deeply into the bone and joint causing deformity known as bony painful obstruction. So anything related to bone hoga to aapko UB11 dena hai. UB11 is also indicated for contraction of the sinews. So sinews ka muscle tendons ki contraction ke liye bhi UB11 hota hai. So anything related to bone and cartilages hoga to aapko UB11 use karna hai. देन ब्लैडर 13. तो ब्लैडर 13 भी हमने देखा था कि बैक शू पॉइंट है ये लंग मेरिडियन का. 13, 14, 15 हमने देखा था ना AIE, याद है आपको? 13 ब्लैडर 13, 14 and 15 जो हमारा है वो AIE मेरिडियन के बैक शू पॉइंट है. 13 लंग का है, 14 पेरिकार्डियम का है और 15 हार्ट का है. तो बैक शू पॉइंट ऑफ द लंग जो है वो हमारा ब्लैडर 13 है. 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनल स्पेसिस ऑफ थर्ड थोरेसिक वर्टीब्रा. तो हमारा थर्ड T1 पे जो हमारा है वो UB11 है, T3 पे जो है बड़ा है वो UB13 है, ठीक है. सो 1.5 चून अगर हम इससे थोरेसिक वर्टीब्रा से जाएंगे तो वहां पर हमको ये पॉइंट मिलता है UB13. और बैक्शू पॉइंट ऑफ लंग है तो लंग को तो वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ऑफ सारे लंग्स है उनके लिए हेल्प करेगा ही. एक्शन देख लेते हैं. टोनिफाइज लंगची एंड नरिसिस लंगची, डिसेंट्स एंड डेसिमेट्स लंगची, क्लियर हीट फ्रॉम द लंग एंड रिलीजेस द एक्सटीरियर. एनीथिंग रिलेटेड टू लंग होगा तो वो आपको ब्लैडर 13 क्योंकि उसका बैक शू पॉइंट है. तो सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जितने भी लंग के होंगे उनका नाम डिफरेंटली है. डिस्पोनिया है, कफ है, अस्थमा है, जो भी है क्रॉनिक डिसऑर्डर कुछ भी लंग का होगा तो आप ब्लैडर 13 को यूज करोगे क्योंकि वो उसका बैक शू पॉइंट है. इसके अलावा फुलनेस विथ नो प्लेजर इन ईटिंग, वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग, वॉमिटिंग है, जॉन्डिस है, पेन ऑफ द फ्लैश एंड ईचिंग ऑफ द स्किन आर्टिकेरिया में भी ब्लैडर 13 आप यूज कर सकते हो. पेन ऑफ द अपर बैक में ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू यूज एज एन लोकल पॉइंट. लोकल पॉइंट की तरह आप UB13 को पेन ऑफ द अपर बैक और शोल्डर के पेन में, या क्रूप्ड स्पाइन, टर्टल बैक इन द चिल्ड्रन, लंबर पेन एंड स्टिफनेस में भी आप ब्लैडर 13 को यूज कर सकते हैं. अभी ये हमारा ब्लैडर 15 है तो अभी हमने बात की कि ब्लैडर 15 किसका बैक्शू पॉइंट है, हार्ट का. तो ब्लैडर 13 जो हमारा था लंग का है, ब्लैडर 14 पेरिकार्डियम का है एंड ब्लैडर 15 जो हमारा है वो हार्ट का बैकशू पॉइंट है. 13, 14, 15 AIE बैकशू पॉइंट है. ये हम बार बार हमने रिपीट किया है और करते रहो इसको. सो 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा जो है वो हमारा पॉइंट है. फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा के नीचे हम आते हैं और 1.5 चून हम दोनों तरफ जाते हैं तो हमको ब्लैडर 15 मिलता है. रिपीट करती हूँ, T1 के लेवल पे जो हमको पॉइंट ब्लैडर का मिल रहा है वो UB11 है. T3 के लेवल पे हमको जो 1.5 चून पे हमको जो पॉइंट मिल रहा है वो UB13 है. ब्लैडर T5 से अगर हम 1.5 चून लेटरली जाते हैं दोनों तरफ तो जो पॉइंट हमको मिलता है वो ब्लैडर 15 है. आपका जो UB13 है वो बैक शू पॉइंट आपका जो है वो लंग का है. आपका जो ब्लैडर 14 है वो बैक शू पॉइंट पेरिकार्डियम का है. जो आपका ब्लैडर 15 है वो आपका बैक शू पॉइंट हार्ट का है. कीप रिपीटिंग. मेरे साथ आप लोग भी मन मन में बोलते रहो, रिपीट करते याद हो जाएगा. एक्शन इज टोनिफाइज एंड नरिशेज द हार्ट, क्योंकि हार्ट का बैक शू पॉइंट है तो हार्ट को टोनिफाई और नरिश तो करेगा. रेगुलेट्स हार्ट की, काम द स्पिरिट, ये सारे फंक्शन हार्ट के ही हैं. Unbinds the chest and resolves blood stasis and clear heart fire. So anything related to heart का जो भी होगा वो सब कुछ आएगा. Plus कुछ lung disorder like coughing blood, vomiting, ये सब जो है वो भी क्योंकि ये उस area में आ रखा है, chest के exact पीछे में ये point आ रखा है तो आप इसको सब इसके लिए bladder 15 को याद कर सकते हो. लेकिन bladder 15 का main आपको याद रखना है कि ये back shoe point जो हमारा है वो heart का है और इसका लोकेशन याद रखना है. दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है इसकी. क्या याद रखनी है? एक तो ये हार्ट का बैक शू पॉइंट है और दूसरा T5 जो हमारा जो थोरेसिक वर्टीब्रा है इससे 1.5 चून के लेटरल पे ये हमको पॉइंट मिलेगा. 1.5 चून लेटरल कहाँ से? हमारा T5 वर्टीब्रा से. और ये क्या है? बैक शू पॉइंट ऑफ द हार्ट है. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ब्लैडर 23
तो बैडर 23 की हम पहले दिन से हम बात कर रहे हैं और लगभग एवरी क्लास में हमने बात की है कि ब्लैडर 23 जो हमारा है वो किडनी का बैक शू पॉइंट है। यहाँ पर जो वर्टिब्रा है, यहाँ पर DU2 हमारा जो वर्टिब्रा है वो यहाँ पर आता है, GV गवर्निंग वेसल 2 वर्टिब्रा हमारा आता है, सॉरी DU4 आता है, DU4 आता है जहाँ पे हमारी यौनची स्टोर है। याद है आपको, हमारी यौनची स्टोर है DU4 पे। ये लंबर 2 जो हमारा वर्टिब्रा है, लंबर 2 के स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो पॉइंट है वो DU4 है, गवर्निंग वेसल 4 पॉइंट है, और वो पॉइंट गवर्निंग वेसल 4 जो पॉइंट है वहां पर हमारी यौनची स्टोर होती है, और जहां पर ये हमारी यौनची स्टोर हो रही है वो पॉइंट का नाम क्या है, DU4। और DU4 जो है वो कहाँ पर है, लंबर वर्टिब्रा 2 है उसके स्पाइनस प्रोसेस के नीचे के साइड, लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनल प्रोसेस है, वहां पर ये पॉइंट DU4 है। और इस पॉइंट DU4 से जब हम डेढ़ चुन दोनों तरफ जाते हैं तब हमारे को हमें जो पॉइंट मिलता है वो हमारा ब्लैडर 23 है। इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस वी हैव रिपीटेड दिस, सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट दैट ब्लैडर 23 इज द बैक शू पॉइंट ऑफ द किडनी मेरिडियन एंड इट इज एट द लेवल ऑफ DU4, दैट इज एट द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। तो अगर आपको स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सेकंड नंबर वर्टिब्रा से डेढ़ चून पूछा तो भी ब्लैडर 23 है, अगर आपको DU4 से पूछा तो भी 1.5 चेन पे आपका ब्लैडर 23 है। इसलिए वो चीजें मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा है तो आप उसका आंसर दे सको। एक्शन टोनिफाइज द किडनी एंड फोर्टिफाइज यांग, बेनिफिट्स द एसेंस, नरिशेस किडनी ची, फॉर्म्स किडनी, रेगुलेट्स द वाटर पैसेजेस एंड बेनिफिट्स यूरिनेशन, benefits the and warms the uterus, benefit the ear and eyes, strengthens the lumbar region. तो actions आप इनके पढ़ो, उसी के related जो है वो सारे indications है यहाँ पर, जो important चीज है वो हम देख लेते हैं। Bladder 23 is the back shoe point of kidney, वो हमने बात करी ही है। Bladder 23 is one of the principal acupuncture to strengthen the kidney, fortify yang, nourishing and benefit the essence. The kidney stores the essence and the essence is the source of life. तो एसेंस कौन स्टोर करता है, अगर ये है काउंसिल के क्वेश्चन पेपर में तो नहीं है, लेकिन किसी एक क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि कौन स्टोर करता है एसेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए किडनी स्टोर्स द एसेंस। एसेंस इज द रूट ऑफ ह्यूमन बॉडी, व्हाइल अ सेइंग ऑफ चाइनीज मेडिसिन एम्फसाइजेस द किडनी इज द रूट ऑफ प्री हेवन। ओके, since neither essence nor pre-heaven chi can ever be excessive, the kidney can only suffer from deficiency pattern. Kidney deficiency may be congenital in origin or may develop during the course of person life as a result of chronic illness. Chronic illness ki wajah se kidney deficient hoti hai. Bladder 23 is an important point to form and holding and estranging actions of the kidney. To kidney ka kuch bhi hoga to bladder 23 aayega hi. The kidney controls the movement of water throughout the body, and although spleen and lung also play an important role in circulation of fluid, their yang qi is ultimately dependent on the kidneys. This is reflected in the statement that kidney dominate the yang of the whole body. पीछे की साइड है ना उसका पॉइंट, ये UB23 इसलिए yang को डोमिनेट कर रहा है वो। The kidney dominate the yang of the whole body and governs water. When kidney yang fails to move the body fluid, there may be edemas with difficult urination. The uterus depends on the kidney essence for its growth, maturation and nourishment. Uterus किस पे depend करता है? Kidney के essence पे, क्योंकि इसी में yon chi हमारी congenital chi है इसलिए. So kidney essence for its growth, maturation and nourishment के लिए kidney पे ही uterus depend होता है. Bladder 25, so bladder 25 भी हमारा जो है वो back shoe point की list में था, और back shoe point में ये large intestine का back shoe point है. तो लार्ज इंटेस्टाइन का बैक शू पॉइंट जो है वो 25 है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बैक शू पॉइंट है वो 27 है, और 28 जो हमारा है वो किसका बैक शू पॉइंट है, 28 यूरिनरी ब्लैडर का बैक शू पॉइंट है, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन बैक शू पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज ब्लैडर 25 व्हिच इज 1.5 चून लैटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस, लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। हमारा जो चौथा लंबर वर्टिब्रा है इससे जब हम डेढ़ चून जाते हैं तो हमको ब्लैडर 25 मिलता है। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर 2 वर्टिब्रा, लंबर 2 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस पे ब्लैडर 23 है,
और आपका लंबर फोर वर्टिब्रा है, लंबर फोर वर्टिब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस से जब आप 1.5 सेंटीमीटर जाओगे तो आपको ये ब्लैडर 25 पॉइंट मिलेगा। और ये बैक शू पॉइंट है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन का बैक शू पॉइंट है, इसलिए इसके एक्शन में भी रेगुलेट्स द इंटेस्टाइन, ट्रांसफॉर्म स्टेग्नेंसी एंड एलिवेट्स पेन, स्ट्रेंथन द लंबर रीजन, लंबर रीजन में है इसलिए लंबर रीजन को स्ट्रेंथन करता है, लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। तो इसके जो एक्शन है उसी से उसके डिजीज होंगे कि इंटेस्टाइन के रिलेटेड कोई भी डिजीज होगा तो आप ब्लैडर 25 ले सकते हैं, और उस एरिया में कोई भी लंबर रीजन में कोई पेन है तो आप ब्लैडर 23 के साथ ब्लैडर 25 ले सकते हैं, और लंबर रीजन को और पैरों को स्ट्रेंथनिंग के लिए भी आप ब्लैडर 25 को ले सकते हैं। सो लंबर पेन, स्टिफनेस, रिजिडिटी ऑफ द लंबर, लंबर स्पाइन, उस सब में आप ब्लैडर 25 को लोगे। सो वही चीज यहाँ पर वापस आएगी, डायरिया है, अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टूल है, डिसेंट्री है, ब्लड इन स्टूल, इंटेस्टाइनल एब्सेस है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन है, डेफिकेशन, कॉन्स्टिपेशन, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, तो आप ब्लैडर 25 को यूज कर सकते हो। ब्लैडर 25 इज द बैक शू पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, वेयर द ची ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एनिमेट्स फ्रॉम द इंटीरियर टू द बॉडी सर्फेस। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फू एंड इट्स एप्लीकेशन इज वेरी ब्रॉड, क्योंकि ब्लैडर 25 के लिए आपको याद रखना है कि बैक शू पॉइंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का। ब्लैडर 25 इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू फॉर्म एंड टोनिफाई द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो फंक्शन है इंटेस्टाइन के फंक्शन है उनको ये टोनिफाई करता है, तो अच्छे से टोनिफाई करता है, बढ़ाता है उसके फंक्शन को, हेल्प करता है ये, इसलिए ब्लैडर 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड किसके लिए? इंटेस्टाइन के लिए। ब्लैडर 25 इज एन लोकल इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपको ये भी लगा कि बैक शू पॉइंट भी है वो इंटेस्टाइन का। ब्लैडर 25 इज एन इंपॉर्टेंट लोकल पॉइंट इन ट्रीटमेंट ऑफ लंबर पेन, और लंबर पेन के लिए तो वो वहां पर लोकल एरिया के हिसाब से वहां पर लंबर पेन के लिए ब्लैडर 25 अच्छा है। अगर आपको लंबर रीजन में पेन है या पैरों में दर्द है तब भी आप ब्लैडर 25 को जरूर लेंगे। ब्लैडर 36, तो ब्लैडर 36 ये जो हमारा है इसको ग्लूटल फोल्ड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लूटल फोल्ड। तो ग्लूटल फोल्ड के सेंटर में ये जो पॉइंट है ये हमारा ST36 है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूटल फोल्ड। और जो नी के पीछे की हमारी क्रीज है उसको बोलते हैं पॉपलिटियल क्रीज। तो आपको याद रखना है कि ग्लूटल फोल्ड पे जो पॉइंट है डेट इज ST36 और सॉरी UB36 जस्ट बिलो द बटक ऑन द लाइन डायरेक्टली सुपीरियर टू ब्लैडर 40। तो ब्लैडर 40 कहाँ पर है? पॉपलिटल क्रीज के सेंटर में जो पॉइंट होता है, मतलब नी क्रीज के सेंटर में जो पीछे पॉइंट है वो ब्लैडर 40 है, और वहां से जब हम ऊपर जाते हैं डायरेक्टली सुपीरियर है तो यहाँ पर ब्लैडर 40 है, लेकिन ब्लैडर 40 कहाँ पर है? ग्लूटल फोल्ड में है ये, ठीक है। सो सेंटर ऑफ द ट्रांसवर्स ग्लूटल क्रीज, तो ये जो हमारा पूरा है इसको कहा जाता है इट इज द ग्लूटल ट्रांसवर्स ग्लूटल क्रीज। ये ग्लूटल फोल्ड जो है इसका नाम है ट्रांसवर्स ग्लूटल क्रीज, और इसके सेंटर में जो पॉइंट हमारा है वो हमारा ST36 है इन द डिप्रेशन बिटवीन द हैमस्ट्रिंग मसल। सो हमारा ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसके सेंटर में ये पॉइंट हमारा जो डिप्रेशन में जो हमको यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है दैट इज द पॉइंट है ब्लैडर 36। एक्टिवेट्स द चैनल, रिलैक्सेस द सीन्यूज एंड एलिवेट्स पेन, तो यहाँ के मसल टेंडन्स जो है उसको रिलैक्स करता है ये। रेगुलेट्स द लोअर GI, लोअर GI को रेगुलेट करता है एंड एलिवेट्स पेन। तो लोअर GI में है क्या? हमारे लोअर GI में सारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं मेल फीमेल के, तो वो उसको रेगुलेट करता है लोअर GI को एंड ट्रीट्स हिमोराइड्स। तो अगर आपको पाइल्स है तो पाइल्स के लिए भी ये पॉइंट आप ST36 को यूज कर सकते हो। तो लंबर पेन, सेक्रम के पेन, कोकेक्स का पेन, बटक का पेन, साइटिका का पेन, इन सब में जो है लोअर लिम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए आप ST36 यूज कर सकते हो। डिफिकल्ट यूरिनेशन के लिए, पेन ऑफ द जेनिटल, सेमिनल इमिशन, होल्ड इन यूट्रस, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिला, क्रॉनिक हेमोराइड्स, ब्लीडिंग हेमोराइड्स, इस सबके लिए आप ST36 यूज कर सकते हो। नॉट ST36, ब्लैडर 36। ब्लैडर 36 इज मस्ट यूज फॉर पेन रेडिएटिंग डाउन द ब्लैडर चैनल फ्रॉम द लंबर रीजन एंड द बटक। इट इज एस्पेशली इंडिकेटेड फॉर पेन ऑफ बटक्स। तो आपके बटक में कोई भी पेन है तो उसके लिए तो क्योंकि वो लोकल पॉइंट है वहां का तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपका अगर साइटिक पेन एग्रावेटिंग हो रहा है तब भी आप ब्लैडर 36 को यूज कर सकते हो। इन सेकेंडरी एप्लीकेशन इज एन एडजेसेंट पॉइंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोराइड्स और पाइल्स के लिए भी ये पॉइंट यूज किया जाता है। ब्लैडर 37, तो ब्लैडर 37 जो हमारा था वो ब्लैडर 37 यहाँ से आपका ऑन द बैक ऑफ द थाइन द डिप्रेशन बिटवीन द हैमस्ट्रिंग मसल सिक्स चुन डिस्टल टू ब्लैडर 36। तो आपका ब्लैडर 36 से आप लोगे तो सिक्स चुन डिस्टल है
और अगर आप यूबी 40 से इसको लोगे तो 8 चून प्रॉक्सिमल है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको 37 का लोकेशन पूछा है तो अगर आपको ग्लूटल फोल्ड से है अगर आपका ये भी तो आपका 6 चून डिस्टल टू ब्लैडर 36। तो आपने जो अभी यूनिरियली ब्लैडर 36 देखा था यहाँ पे, तो यहाँ से ये पॉइंट जो है वो 6 चून है। लेकिन अगर हम यहाँ अपना ग्लूटल इसको पॉपिटुलर पीस से लेंगे तो यूबी 40 से जो है ये 8 चून पे ये पॉइंट आया होता है। तो आपको कहाँ से पूछा है वो आप देखो, ST 36 से पूछा है तो सॉरी यूबी 36 से पूछा है तो यूबी 37 6 चून है। अगर ब्लैडर 40 से पूछा है तो ये पॉइंट 8 चून पे है। कहाँ से पूछा है ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से यूबी 36 से वो डिस्टल है और यूबी 40 से प्रॉक्सिमल, बॉडी की तरफ जाते हैं तो प्रॉक्सिमल, सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर जाते हैं तो डिस्टल। तो 6 चून डिस्टल फ्रॉम ब्लैडर 36 एंड 8 चून प्रॉक्सिमल टू ब्लैडर 40 ऑन द लाइन कनेक्टिंग ब्लैडर 36 एंड ब्लैडर 40। ये पॉइंट हमारा ब्लैडर 37 है। एक्टिवेट द चैनल एंड एलिवेट पेन, बेनिफिट्स द लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन को ये बेनिफिट करता है। द पॉइंट इन मैन 37 इज फ्रीक्वेंटली फाउंड टू बी टेंडर ऑन पैल्पिटेशन इन पेशेंट विद साइटिका। साइटिका वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको अगर हमने ये पॉइंट को पैल्पेट किया, दबाया, तो ये पॉइंट जनरली पेनफुल होता है एंड इज देयरफॉर कॉमनली नीडल इन दिस कंडीशन। तो साइटिका में जो है, साइटिक पेन जो होता है, उसमें ब्लैडर 37 को खास यूज करते हैं, क्योंकि ब्लैडर 37 को जब मैनुअली उसको चेक करते हैं तो पैल्पेट करते हैं तो ये पॉइंट पेनफुल होता है। तो कहाँ पर है ये, हमारा जो हमने फोल्ड देखा था, ग्लूटल फोल्ड देखा था, वहां से 6 चून है ये, और हमारा जो पॉपिटल क्रीज है, जो नी का क्रीज है, वहां से अगर हम जाते हैं तो वहां से ये 8 चून है। तो आपका जो ग्लूटल फोल्ड है वहां से ये डिस्टल है 6 चून और यूबी 40 से ये चून 8 चून प्रॉक्सिमल है। रिमेम्बर दिस। सो ब्लैडर 40 अब देख रहे हैं तो ये जो पॉपिटल क्रीज है, ये जो नी की क्रीज है, पॉपलिटियल क्रीज। सो पॉपलिटियल क्रीज पे जो पॉइंट हमारा आ रहा है ये यूबी 40 है। यूबी 40 के लिए आपको याद रखना है कि ये ब्लैडर मेरिडियन का हीशी पॉइंट है, और क्योंकि ये यांग मेरिडियन है तो यांग मेरिडियन की हीशी पॉइंट उनके अर्थ पॉइंट है। याद है ना आपको, यांग मेरिडियन की हीशी पॉइंट उनके अर्थ पॉइंट है, इंग मेरिडियन के हीशी पॉइंट वाटर पॉइंट है, इंग मेरिडियन के हीशी पॉइंट वाटर पॉइंट है, यांग मेरिडियन के हीशी पॉइंट अर्थ पॉइंट है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर यांग मेरिडियन है तो इसलिए ये हीशी पॉइंट है और अर्थ पॉइंट है ब्लैडर चैनल का। एट द बैक ऑफ द नी ऑन द पॉपलिटल क्रीज इन द डिप्रेशन मिडवे बिटवीन द टेंडन ऑफ बाइसेप फॉर्मिस एंड सेमी टेंडरनेसिस। तो यहाँ पर दो टेंडन है, इस टेंडन के बीच में है टेंडन ऑफ बाइसेप फॉर्मिस एंड सेमी टेंडरनेसिस, इसमें एग्जैक्टली बैक ऑफ द नी पे। तो ये जो क्रीज है ये पॉपलिटल क्रीज है, यहाँ पर जो टेंडन्स है दो, वो टेंडन के नाम बाइसेप फेमोरिस एंड सेमी टेंडरनेसिस, ये टेंडन के नाम है जिसके बीच में ये पॉइंट है। और ये पॉइंट का मेन आपको याद रखना है कि ये पॉइंट हीशी पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का एंड ये पॉइंट अर्थ पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके। एक्शन बेनिफिट्स द लंबर रीजन एंड नीज। तो ये ब्लैडर 40 पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर लोअर बैक में पेन है, घुटनों में दर्द है, तब तो ये बेनिफिट करता ही है। एक्टिवेट्स द चैनल एंड एलिवेट्स पेन, कूल्स द ब्लड, क्लियर समर हीट एंड स्टॉप वॉमिटिंग इन द एरिया, बेनिफिट्स द ब्लैडर। ब्लैडर का पॉइंट है तो ब्लैडर को भी बेनिफिट कर रहा है। और जैसे हमने बोला ये डिस्टल पॉइंट है हमारा लोअर बैक के लिए और नीज के, हमारे लेग्स के लिए, तो लोअर बैक में यानी लंबर रीजन में कोई भी पेन होगा या पैर का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भी आपने, क्योंकि इट इज अ डिस्टल पॉइंट ऑफ दिस रीजन, तो इसलिए आपको लंबर रीजन और नीज में करेगा, एलिवेट करेगा पेन, अगर इस चैनल में कहीं पे भी पेन होगा तो करेंगे। सो ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें, चाहे वो लंबर रीजन हो, बटक रीजन हो, सैक्रम हो, कॉकेक्स हो, थाई हो, नी हो, बिकॉज इट इज अ डिस्टल पॉइंट ऑफ ऑल दिस रीजन। तो हिप में, नी में, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स जो है उसका, सिन्यूज का जो है उसका, टेंडन्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, पॉपिटल फोसा का अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो नी क्रीज है उसका कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ब्लैडर 40 लोगे। किसी भी तरह के डिफिकल्ट यूरिनेशन में, डार्क यूरिनेशन में, पेन इन द हाइपोगेस्ट्रियम अगर आपका है तो भी आप ब्लैडर 40 लोगे। नोज ब्लीड में आप लोगे, पेन इन द लोअर टीथ, हेडेक, थॉटफुल, थ्रोट पेनफुल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिमोराइड में भी आप ब्लैडर 40 ले सकते हैं, और एक्जिमा अर्टिकेरिया में भी यूबी 40 ले सकते हैं। बट मेन यू हैव टू रिमेम्बर फॉर यूबी 40 इज
कि वो आपका एक तो बैकशू पॉइंट, सॉरी नॉट बैकशू पॉइंट, इट इज द डिस्टल पॉइंट. तो आपको यूबी 40 के लिए याद रखना है कि बैकशू डिस्टल पॉइंट है वो आपका लोअर बैक के लिए और आपके लेग्स के लिए डिस्टल पॉइंट है. इससे लंबर रीजन और नीज को बेनिफिट करेगा और वो जो है बैडर को भी बेनिफिट देता है यूबी 40. और ये अर्थ पॉइंट और हीशी पॉइंट है, ये आपको ब्लैडर 40 के लिए याद रखना है. ब्लैडर 57, ब्लैडर 57 ऑन द लोअर लेग इन द डिप्रेशन फॉर्म्ड बिलो द बेलीज ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस मसल. हमने जब कल एनाटॉमी देखा था तब देखा था ये जो मसल है ये मसल का नाम गैस्ट्रोनेमियस मसल है. तो ये कहाँ पर पॉइंट है? ऑन द लोअर लेग इन द डिप्रेशन फॉर्म बिलो द बेलीज ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस मसल. तो गैस्ट्रोनेमियस मसल जो है इसके बीच में ये पॉइंट है. When the muscle is flexed approximately 8 chun distal to bladder 40. Bladder 40 से 8 chun distal. देखो, bladder 40 से 8 chun distal UB 40 है, bladder 40 है, और bladder 40 से 8 chun proximal, वो bladder 37 है. Repeat कर देती हूँ. UB 40 से proximal अगर 8 chun जाते हो, proximal अगर जाते हो तो bladder 37 मिलता है. और यूबी 40 से 8 चून अगर आप डिस्टल जाते हो तो 8 चून डिस्टल जब आप जाओगे तब आपको ये पॉइंट जो मिलता है वो ब्लैडर 40 है. अरे सॉरी, आपका ब्लैडर 57 है. प्रॉक्सिमल जाओगे तो ब्लैडर 37, यूबी 40 से प्रॉक्सिमल 8 चून जाओगे तो ब्लैडर 37 है. और यूबी 40 से डिस्टल अगर आप 8 चून जाते हो तो यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको मिलता है वो ब्लैडर 57 है. It is midway between bladder 40 and 60. तो ये midway between the bladder 40. तो bladder 40 आपका popliteal crease पे है. Bladder 60 जो आपका है वो lateral malleolus पे point है. तो lateral malleolus से और ये जो popliteal crease है इसका total distance कितना था? 16 chun. अभी वो अभी भी तुम लोगों को कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि वो इसका measurement पे अभी भी difficulty है. तो आपको लगभग कल तक आपको ये जो पीपीटी जो मैं पढ़ा रही थी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको ये मिल जाएगी. दे दी? अच्छा, ऑलरेडी सरिता मैम ने सेंड कर दी तो उसमें सब कुछ है. फिर भी जो चुन मेजरमेंट का जो पेज है उसको अलग से भी करके आपको भेज देंगे. ठीक है, सो ये चुन मेजरमेंट याद रखो. तो टोटल चुन कितना है आपका पॉपुलेटल, ये जो क्रीज है पॉपुलेटल क्रीज से और आपका लेटरल मेलोलस का टोटल जो था वो 16 चुन है. तो ये मिड पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर आपका यूबी 57 है. क्योंकि अगर आप आउटर मेलोलस से लोगे तब भी ये पॉइंट जो गैस्ट्रोनेमियस मसल पे जो पॉइंट है ये 8 चुन है. आप यूबी 40 से लोगे तो भी ये 8 चुन है. लेकिन अगेन यूबी, आपने ये यूबी 40 लिया तो यूबी 40 से डिस्टल है ये पॉइंट जो हमारा यूबी 57 है. ठीक है, यूबी 57 रिलैक्सेस द सिन्यूज, एक्टिवेट्स द चैनल एंड एक्टिवेट्स एलिवेट्स पेन. बेनिफिट्स ऑफ काल्फ एंड हील, काल्फ एंड हील का लोकल पॉइंट है वो. तो अगर काल्फ में पिंडलियों में अगर आपको दर्द होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा, पिंडलियों के लिए ये लोकल पॉइंट है, काल्फ एरिया के लिए लोकल पॉइंट है. और आपके हील में जो पेन मिलता है वो भी मोस्टली अगर आपका ये जो मसल है गैस्ट्रोनेमियस मसल जो है अगर इसमें टाइटनेस स्टिफनेस होता है तो आपको हील पेन होता है. क्योंकि जो शॉक एब्जॉर्प्शन जो ये मसल करता है वो मसल नहीं कर पाता जब वो टाइट होता है, तो हील पे वो सारा वजन बॉडी का आ जाता है. इसलिए हील पेन में भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है यूबी 57. तो यूबी 57 पिंडलियों को, काल्फ को भी बेनिफिट करता है और हील को भी करता है. ट्रीट हेमोराइड्स, तो यही सब रिलेटेड डिजीज आएगा. लंबर रीजन का पेन, साइटिका का पेन, डिफिकल्टी इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, इनएबिलिटी टू स्टैंड फॉर लॉन्ग. अगर आपको पिंडलियों में जो क्रैम्प आते हैं वो क्रैम्प के लिए भी आप यूबी 57 यूज कर सकते हो. हील पेन के लिए आप यूज कर सकते हो. पेन इन द हील, यस, हीट सेंसेशन इन द सोल्स, अगर तलवों में, पैर के तलवों में अगर आपको हीट सेंसेशन आ रहा है या ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकते हो, उस सब में आप यूबी 57 को यूज कर सकते हैं. यूबी 57 इज एन इम्पॉर्टेंट लोकल पॉइंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसऑर्डर. Although having no action on liver blood itself, UB70 is a local point. So UB57 को as a local point तो हम use करते ही हैं calf वाले सारे disorders में. और heel pain के लिए भी आप UB57 use कर रहे हो as an proximal point. Bladder 60. तो ये हमारा bladder 60 है. किडनी मेरिडियन में जब इनर मेलेलस में हम जाते हैं तो इनर मेलेलस के पीछे जो पॉइंट मिलता है वो किडनी 3 है.
और आउटर मेलेनियस के पीछे जो पॉइंट हमको मिलता है वो ब्लैडर 60 पॉइंट है हमारा, और ये यूरिनरी ब्लैडर 60 जो पॉइंट है हमारा वो जिंग रिवर पॉइंट है एंड फायर पॉइंट है। क्या है ये? शू पॉइंट्स में जिंग रिवर पॉइंट है हमारे ब्लैडर मेरिडियन का, और ब्लैडर मेरिडियन का ये फायर पॉइंट है। सो सारे जिंग रिवर पॉइंट जो है यांग मेरिडियन के वो क्या है? फायर पॉइंट है। तो फायर पॉइंट ऑफ ब्लैडर मेरिडियन है। लोकेशन बिहाइंड द एंकल जॉइंट इन द डिप्रेशन बिटवीन द प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल मेलेनस एंड द एक्लिस टेंडन। तो इन द डिप्रेशन ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल मेलेनस एंड एक्लिस टेंडन जो है वो ब्लैडर 60 है, और इन द डिप्रेशन बिटवीन द प्रोमिनेंस ऑफ मेडियल मेलेनस एंड एक्लिस टेंडन है वो किडनी 3 है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लैटरल मेलेनस आएगा, वहां पर मेडियल मेलेनस आएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। बिहाइंड द एंकल जॉइंट इन द डिप्रेशन बिटवीन द प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल मेलेनस आया तो यूबी 60 है, ब्लैडर 60 है। अगर बिटवीन द प्रोमिनेंस ऑफ मेडियल मेलेनस एंड एक्लिस टेंडन आया तो किडनी 3 है। तो आप एग्जाम के वक्त हड़बड़ में पूरा पढ़ना लैटरल है या मेडियल है। अगर मेडियल मेलेनस और एक्लिस टेंडन है तो किडनी 3 है, अगर लैटरल मेलेनस और एक्लिस टेंडन है तो ब्लैडर 40 है, ठीक है, अरे ब्लैडर 60 है। एक्शन ब्लैडर 60 के क्लियर हीट्स एंड लोवर्स यांग पेसिफाइज वीन एंड लीड्स डाउन एक्सेस एक्टिवेट्स एट द एंटायर ब्लैडर चैनल एंड एलिवेट्स पेन रिलैक्सेस द सिन्यूज एंड स्ट्रेंथेंस द लंबर स्पाइन एंड प्रमोट्स लेबर। तो लेबर को ये पॉइंट प्रमोट करता है, LI4 है वो लेबर को प्रमोट करता है, स्प्लीन 6 है जो लेबर को प्रमोट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये सारे पॉइंट नहीं देने क्योंकि ये इंड्यूस करते हैं लेबर को, ठीक है। कौन से पॉइंट? LI4, ब्लैडर 60, ये सारे जो पॉइंट्स है ये इंड्यूस करते हैं, और स्प्लीन 6, ये सारे इंड्यूस करते हैं लेबर को, इसलिए हमको प्रमोट करते हैं लेबर को, इसलिए हमको ये लास्ट में यूज करना है जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाए। ड्यूरिंग द लेबर हम इसको यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग द लेबर हम इसको यूज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करना है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का। सो यूबी 60 जो है स्टिफ नेक के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, हार्ट पेन के लिए, दैट रेडिएट्स टू द बैक, हार्ट में पेन है और पीछे की तरफ वो पेन जा रहा है तो आप ब्लैडर 60 ले सकते हैं। लंबर पेन, सैक्रम पेन, पेन ऑफ द कोकेक्स, साइटिक पेन, बिहाइंड द नी, एंकल पेन, हील पेन, हेमिफ्रेजिया, इन सबके लिए ब्लैडर 60 आप यूज कर सकते हो। जनरली ब्लैडर 60 का इंडिकेशंस तो मुझे लगता है कि बहुत कम जगह पूछे गए हैं, इसका जो है वो लोकेशन ही पूछा जाता है। तो लोकेशन के लिए आपको याद रखना है कि लैटरल मेलेनस के पीछे ये पॉइंट है हमारा, मतलब लैटरल मेलेनस और हमारा जो गैस्ट्रोनेमस एक्लिस टेंडन जो है, एक्लिस टेंडन के और लैटरल साइड ऑफ द हमारा जो मेलेनस है, लैटरल मेलेनस और हमारा जो एक्लिस टेंडन है उसके बीच में इसका जो पॉइंट है। तो मेन इसके लिए हमको इसका इंडिकेशन से ज्यादा लोकेशन याद रखना है ब्लैडर 60 के लिए। सो नेक्स्ट इज अवर किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन में बहुत सारे पॉइंट नहीं है जो हमारे सिलेबस के पॉइंट है, बहुत कम पॉइंट है, लेकिन टोटल पॉइंट जो किडनी मेरिडियन के है वो 27 है। पोलैरिटी जो इसका ही है वो यीन मेरिडियन है। पर्टेनिंग ऑर्गन जो है वो किडनी है। कपल ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर है। एलिमेंट वाटर है और फ्लो इसका सेंट्रिपिटल है क्योंकि पैर के तलवे में से ये शुरू हो रहा है और फिर सेंटर ऑफ द बॉडी पे जा रहा है, तो पेरिफेरी से शुरू हो रहा है, इसलिए एनर्जी फ्लो इसका क्या हो गया? सेंट्रिपिटल फ्लो हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था किडनी 1 और GV26, किडनी 1 पैर के तलवे में, GV26 ये दोनों पॉइंट जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो कॉन्शियसनेस रीगेन करने के लिए ये दो पॉइंट हमेशा यूज किए जाते हैं। किडनी मेरिडियन की पोलैरिटी हो गया हमारा। देन क्लिनिकल यूजेस, तो किडनी है तो नेचुरली सारे यूरोजेनिटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो किडनी मेरिडियन में आएंगे। एज पर TCM किडनी रिप्रेजेंट्स बोथ यूरिनरी एंड जेनिटल फंक्शन and also includes the adrenal gland, particularly the stress mechanism. तो कोई भी टाइप का स्ट्रेस होगा तब भी हम किडनी के पॉइंट यूज करेंगे। लो बैक पेन, पेन एंड पैरालिसिस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, एक्सेस लंग डिजीज एज वाटर इज द मदर ऑफ मेटल। सो आपका ये फाइव एलिमेंट आप देखोगे तो वाटर इज द मदर ऑफ मेटल, इसलिए एक्सेस लंग में अगर एक्सेस होगा तो वो एक्सेस कहाँ जाएगा?
सो इट इज एक्सेस लंग डिजीज में भी आप ये यूज करोगे किडनी मेरिडियन को. एडिमा, एक्सेसिव स्वेटिंग, डिसऑर्डर ऑफ द वॉटर एलिमेंट, देन बोन एंड कार्टिलेजेस, नेल डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर्स एंड एलोपेशिया एज किडनी लुक्स आफ्टर द स्कैल्प हेयर. शूस्ट्रीम पॉइंट, अच्छा इस वाले पीपीटी में वापस से नेल डिसऑर्डर किडनी में दिया है, लेकिन ये आप नेल डिसऑर्डर अगर है तो आप इसको लिवर में ही लीजिए, क्योंकि नेल डिसऑर्डर जो आएगा वो नेल में ही लिवर में ही आएगा. ठीक है, सो नेल वहां से निकाल देना है आपको. किडनी थ्री हमारा पॉइंट है, तो ये हमने बार बार बता दिया कि आउटर मेलेलस के पीछे जो पॉइंट है वो ब्लैडर 60 है, और इनर मेलेलस के जो पॉइंट है यहाँ पर मेडियल मेलेलस जिसको हम बोलते हैं, हाईएस्ट प्रोमिनेंस ऑफ द मेडियल मेलेलस, और हमारा ये जो एक्लेस टेंडन है इसके बीच का जो पॉइंट है वो हमारा किडनी थ्री है. तो मेडियल मेलेलस के पीछे किडनी थ्री, वहीं पे अगर आउटर मेलेलस है उसके पीछे जो पॉइंट है वो ब्लैडर 60 है. तो और किडनी थ्री आपको पता है क्या है, यांसोस पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, शूस्ट्रीम पॉइंट है, यांसोस पॉइंट है, और ये हमारा अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट ऑफ किडनी चैनल है. तो आप शू पॉइंट्स में देखोगे तो शूस्ट्रीम पॉइंट है, इंग मेरिडियन के शूस्ट्रीम पॉइंट उनके अर्थ पॉइंट है, और किडनी थ्री यांसोस पॉइंट भी है. इसका किडनी का मदर पॉइंट क्या है, किडनी सेवन. सो किडनी सेवन, हम किडनी के वीकनेस में किडनी सेवन को टोन करते हैं, और यांसोस इंग साइड के यांसोस पॉइंट भी उस ऑर्गन को या इस मेरिडियन को टोनिफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. ये हमने पढ़ा था, ओनली इंग यांसोस पॉइंट कैन बी यूज टू टोनिफाई, एंड यांग यांसोस पॉइंट पैथोजेंस को एक्सपेल करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो किडनी थ्री जो है वो यांसोस पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, एंड अर्थ पॉइंट ऑफ द किडनी चैनल. इन द डिप्रेशन बिटवीन द मेडियल मेलेलस एंड द एक्लिस टेंडन लेवल विद द प्रोमिनेंस ऑफ द मेडियल मेलेलस, ये पॉइंट हमारा किडनी थ्री है. एक्शन नरिसेस किडनी इंग एंड क्लियर्स डेफिशिएंसी हीट, टोनिफाइज किडनी यांग, इसलिए वो मदर पॉइंट है ना उसका, तो टोनिफाई करेगा किडनी को. एंकर्स द ची एंड बेनिफिट्स द लंग, एंड देन आपका स्ट्रेंथन द लंबर स्पाइन, तो लंबर के स्पाइन को भी करता है, तो उसी के रिलेटेड सारे जो डिजीज आएंगे. सो आपको किडनी को टोनिफाई करना है तो आप किडनी थ्री का आप लोकेशन याद रखो, ये याद रखो कि किडनी का यांसोस पॉइंट है, किडनी को टोनिफाई करना हो तो मदर पॉइंट के अलावा उसके यांसोस पॉइंट को भी हम यूज कर सकते हैं. सो किडनी है तो रिलेटेड टू सारा जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके रिलेटेड सारे जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सेमिनल इमेशन हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, प्रीमेच्योर एजेकेशन हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया, यूरिनेशन के प्रॉब्लम्स हो गए, लंबर पेन हो गया, एब्डोमेन एंड लैटरल कोस्टल रीजन का पेन हो गया, इन सब में आपको किडनी थ्री को यूज कर सकते हो. इसके अलावा किडनी का जो पाथवे हो वो फुट से लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो कई बार पेन और स्वेलिंग इन द हील है, उसमें भी किडनी थ्री को हम यूज कर सकते हैं. The kidney occupy a unique position among the zangfu, both storing yin essence and conserving and controlling the mingmen fire. The kidneys are thus the root of the yin and yang of the whole body. Because of its fundamental role, deficiency of the kidney may be both cause and result of disharmony of another zangfu organ. क्योंकि किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा जो यांची है वही यहाँ पर स्टोर है इसकी वजह से. किडनी फाइव हमारा जीक्लेफ पॉइंट है, हमने जो जीक्लेफ पॉइंट का लिस्ट देखा था उसमें किडनी फाइव जीक्लेफ पॉइंट है ना, तो कोई भी एक्यूट इमरजेंसी होगी किडनी की तो हम यहाँ पर किडनी फाइव को हम ले सकते हैं. और किडनी फाइव हमारा कहाँ पर है, तो हमारा जो किडनी थ्री है उससे इंफीरियर नीचे, किडनी थ्री से अगर हम वन चुन इंफीरियर जाएंगे तो हमको ये पॉइंट किडनी फाइव यहाँ पर मिलता है. वन चुन इंफीरियर टू किडनी थ्री इन अ डिप्रेशन एंटीरियर एंड सुपीरियर टू द कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी. तो हमने जब ये एनाटॉमी देखा था तब देखा था कि ये जो हमारी एडी जो है, ये जो बोन है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्केनियस बोन. तो दिस इज द कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी. तो कैल्केनियस ट्यूबरोसिटी जो अपना है वो उससे ऊपर ये पॉइंट है, और किडनी थ्री से एक चुन नीचे ये पॉइंट है. सो वन चुन इंफीरियर टू किडनी थ्री इन द डिप्रेशन एंटीरियर एंड सुपीरियर टू द कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी, द साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ द एक्लेस टेंडन इन टू द कैल्केनियम. और इसको आपको यूज करना है सारे एक्यूट इमरजेंसीज ऑफ किडनी में आप यूज कर सकते हो. ये कुछ इंडिकेशन है, एमनोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, डिस्मेनोरिया, डिलेड मेंस्ट्रुएशन, जो कॉमन है सारे किडनीज के पॉइंट में वही है. मेन चीज आपको इसके लिए याद रखना है कि किडनी फाइव जो है किडनी का जीक्लेफ पॉइंट है. किडनी सेवन, तो किडनी सेवन अभी हमने बात की कि किडनी सेवन मदर पॉइंट है किडनी का, तो किडनी का मेटल पॉइंट है ये. तो मेटल पॉइंट क्या हुआ,
किडनी मेरिडियन का मेटल पॉइंट हुआ तो किडनी का मदर पॉइंट हुआ या नहीं किडनी सेवन, तो यह स्लाइड में मदर पॉइंट नहीं लिखा हुआ है लेकिन मेटल पॉइंट लिखा हुआ है, तो मेटल पॉइंट क्या हुआ, मदर, वाटर की मदर कौन है, मेटल, तो मदर पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, तो किडनी सेवन जो है वो जिंग रिवर पॉइंट है, मेटल पॉइंट है किडनी चैनल का। लोकेशन ऑन द मेडियल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग इन द डिप्रेशन टू चुन सुपीरियर टू किडनी थ्री ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्लिस टेंडन, ये पॉइंट हमको मिलेगा। तो जो हमारा किडनी थ्री था इससे दो चुन सुपीरियर, किडनी थ्री से दो चुन सुपीरियर ऊपर हम जाते हैं तो ये किडनी सेवन मिलता है। एक्शन है बेनिफिट्स द किडनी, रेगुलेट्स द वाटर पैसेजेस एंड ट्रीट्स एडिमास, रेगुलेट स्वेटिंग, ड्रेन डैम्प एंड क्लियर, डैम्प हीट स्ट्रेंथन्स द लंबर रीजन। मदर पॉइंट है तो किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सब में आप किडनी सेवन को यूज कर सकते हैं। तो मेन आपको इसके लिए ये याद रखना है कि इसका ये जो है वो मदर पॉइंट है किडनी मेरिडियन का, ये आपको खास किडनी सेवन के लिए यूज करना है, ये याद रखना है। देन इज अवर ब्लैडर मेरिडियन, सो हमारा ब्लैडर मेरिडियन जो है उसका पोलैरिटी यांग है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 44 है, पर्टेनिंग ऑर्गन गॉल ब्लैडर है, कपल लीवर है, एलिमेंट वुड है और इसका फ्लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसका जो है वो फ्लो है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन में डिसऑर्डर कोई भी मेरिडियन होगा तो उसके क्लिनिकल यूजेस में डिसऑर्डर अलोंग द चैनल होगा, लाइक आई, ईयर, नेक, वहां से ये जाता है। इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स हमने देखा कि हार्ट में मेरिडियन में और गॉल ब्लैडर मेरिडियन में, दोनों ही मेरिडियन में मेंटल डिसऑर्डर आता है अकॉर्डिंग टू द TCM थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द TCM थ्योरी या तो हम मेंटल डिसऑर्डर्स को हार्ट में ले रहे हैं या तो मेंटल डिसऑर्डर्स को हम गॉल ब्लैडर में ले रहे हैं। गॉल ब्लैडर एंड लीवर डिसऑर्डर्स, पेन इन द ग्लूटल रीजन, साइटिका, लो बैक, एक पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम में आप गॉल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा सिलेबस में है वो है गॉल ब्लैडर ए, इन द टेम्पोरल रीजन इन द स्लाइट डिप्रेशन वन चुन डायरेक्टली अबव द अपेक्स ऑफ द ईयर। तो आपका जो ईयर अपेक्स ऑफ द ईयर है, मतलब आप इसको जो ईयर को फोल्ड करोगे और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपेक्स ऑफ द ईयर बोलते हैं, और वहां से वन चुन ऊपर जाओगे, एक अंगूठा ऊपर आप जाओगे तो वहां पर ये पॉइंट आपको जो है गॉल ब्लैडर ए मिलता है। जनरली ये पॉइंट आपका माइग्रेन में या डेफनेस में उसी में ये एज अ लोकल पॉइंट ज्यादा यूज होता है। सो एलिमिनेट्स पेन, बेनिफिट द हेड एंड एलिवेट्स पेन, हार्मोनाइजेस डायफ्राम एंड स्टमक एंड एलिवेट्स वॉमिटिंग, ट्रीट्स अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के लिए भी आप गॉल ब्लैडर ए को याद रख सकते हो। वन साइड हेडेक आप यूज कर सकते हो, ST8 के साथ आप गॉल ब्लैडर ए को भी यूज कर सकते हो, और डेजीनेस, वॉमिटिंग, एडिमास के लिए गॉल ब्लैडर 8 यूज कर सकते हो। गॉल ब्लैडर 14, तो गॉल ब्लैडर 14 अगेन इट इज अ लोकल पॉइंट, अगर आई डिसऑर्डर में आप इसको यूज कर रहे हो तो एज एन लोकल पॉइंट आप यूज कर सकते हो गॉल ब्लैडर 14 को। सो ऑन द फोरहेड वन चुन सुपीरियर टू द मिडल ऑफ द आईब्रो डायरेक्टली अबव द प्यूपल, तो आपका ये प्यूपल है इसके डायरेक्टली अबव अगर आप एक चुन ऊपर जाओगे, आईब्रो से एक चुन ऊपर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट गॉल ब्लैडर 14 है और इसको आप यूज कर सकते हो आई डिसऑर्डर्स के लिए। मेनली ये यूज होता है, बेनिफिट्स द आईज, एलिमिनेट्स पेन, बेनिफिट द आई हेड एंड एलिवेट्स पेन, बेनिफिट द आई, तो हेड और आईज दोनों के लिए यूज करते हो। हेड के लिए करेंगे तो नीडल हमारा हेड की तरफ डायरेक्ट होता है, और आईज के लिए करते हैं तो नीडल हमारा आईज की तरफ डायरेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ द नीडल रहता है हमारा। तो हेड पे है तो हेड के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आप इससे ठीक कर सकते हो, और आईज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो गॉल ब्लैडर 14 में आप यूज कर सकते हो। गॉल ब्लैडर 14 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लोकल पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस ऑफ आईज एंड आईलिड्स ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ इटियोलॉजीज, स्पेशली एक्सटीरियर एंड इंटीरियर विंड मैनिफेस्टिंग एज लैक्रिमेशन, डेविएशन ऑफ आई, ड्रूपिंग, ट्विचिंग और इचिंग ऑफ आईलिड्स, पेन एंड इचिंग ऑफ पुपिल्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, सो यहाँ पर सुबह मुझे किसी ने पूछा हुआ है, उसमें उनको मैंने प्रोटोकॉल दिया है लेकिन गॉल ब्लैडर 14 उसमें नहीं लिखा था, तो जिन्होंने भी मुझे पूछा था वो गॉल ब्लैडर 14 याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे आईलिड्स के लिए भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो गॉल ब्लैडर 14 आपने यूज करना है। तो मॉर्निंग में जिन्होंने भी मेरे से प्रिस्क्रिप्शन एक लिया था वो गॉल ब्लैडर 14 उसमें याद ऐड कर लो। गॉल ब्लैडर 20, गॉल ब्लैडर 20 बिलो लोकेशन इसका बिलो द ऑसिपिट अप्रोक्सीमेटली मिडवे बिटवीन DU16 एंड GB12। तो DU16 कहाँ है आपका, यहाँ पर जो ऑसिपिट में सेंटर पॉइंट है यहाँ पर DU16 है। और गॉल ब्लैडर 12 हमने देखा था मस्टॉइड प्रोसेस में, हम लोगों ने गॉल ब्लैडर 12 जब हमने किया था एनाटॉमी कर रहे थे तब हमने देखा था ये मस्टॉइड प्रोसेस पे यहाँ पर कान के पीछे जो यह है वहाँ गॉल ब्लैडर 12 है। तो गॉल ब्लैडर 12 और DU16 जो है उसके बीच में ये जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट गॉल ब्लैडर 20 है,
बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टेनोमस्टाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, जितना भी पूछा है क्वेश्चन पेपर में उसमें यही वर्ड यूज किया है, पॉइंट इन द हेलो बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टेनोमस्टाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल। तो ये क्वेश्चन पेपर्स में जो है उसका लोकेशन इसी तरह से पूछा गया है, लेकिन अगर DU16 अब पॉइंट बिटवीन DU16 और DU12 पूछा है तो भी गॉलबेटर 20 आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से इस पॉइंट को पूछा गया है, द पॉइंट बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टेनोमस्टॉइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, द पॉइंट बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टर्नोमसाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, तो उसका आंसर आपका गॉलबेटर 20 है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये इसका लोकेशन पूछा हुआ है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि ओरिजिन ऑफ द स्टर्नोमस्टाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, इट इज बिटवीन द ओरिजिन ऑफ द स्टर्नोमस्टाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, दैट इज द पॉइंट गॉलबेटर 20। गॉलबेटर 20 इज ऑल्सो पॉइंट बिटवीन DU16 एंड गॉलबेटर 12। ठीक है, तो अगर मेरिडियन के नंबर से पूछा है तो DU16 और गॉलबेटर 12 के बीच में ये पॉइंट है। अगर आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क से पूछा है तो स्टर्नोमस्टाइड और ट्रेपेजियम मसल जो ओरिजिन ऑफ द स्टर्नोमस्टाइड, ओरिजिन ऑफ द स्टर्नोमस्टाइड एंड द ट्रेपेजियम मसल, उसका बीच का जो पॉइंट है दैट इज द गॉलबेटर 20 पॉइंट। एक्शन एलिमिनेट्स पेन, बेनिफिट द हेड एंड आईज, क्लियर्स द सेंस ऑर्गन, एक्टिवेट द चैनल एंड एलिवेट पेन। सो आप हेडेक के लिए इसको यूज कर सकते हो, आप आईज के लिए इसको यूज कर सकते हो, विजुअल कुछ भी डिजीनेस है उसके लिए यूज कर सकते हो, हेमिप्लेजिया के लिए इनसोम्निया नींद नहीं आ रही उसके लिए यूज कर सकते हो, रेडनेस या पेन इन द आईज है तो अगर ब्लर्ड विजन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, नोज ब्लीड के लिए यूज कर सकते हो, नेजल कंजक्शन के लिए, डेफनेस टिनाइटिस या ब्लॉक ईयर्स के लिए यूज कर सकते हो, स्टेफनेस एंड पेन इन द नेक के लिए यूज कर सकते हो, इनएबिलिटी टू टर्न द हेड है तो यूज कर सकते हो, और आप हाइपरटेंशन में भी इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। गॉलब्लैडर 21, गॉलब्लैडर 21 का भी मोस्टली लोकेशन ही पूछा जाता है, तो ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 है, ये टिप ऑफ द एक्रोमियम है, तो यहाँ से एक लाइन हम बनाते हैं तो जो मिड पॉइंट इसका मिलता है, मिडवे जो पॉइंट मिलता है वो हमारा जो है वो गॉलब्लैडर 21 पॉइंट है। सो मिडवे बिटवीन DU14, तो DU14 मतलब C7 के स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो पॉइंट होता है वो DU14 होता है, और DU14 टिप ऑफ द बिटवीन DU14 एंड द टिप ऑफ द एक्रोमियम, तो ये एक्रोमियम का टिप ऑफ द एक्रोमियम पे हम जाते हैं एट द क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपेजियम मसल, तो ये जो हमारा मसल है वो ट्रेपेजियम मसल है इसके सेंटर में आता है, तो यहाँ पर जो हमारा ये पूरा ट्रेपेजियम मसल जो हमारा है इसका जो सेंटर सबसे उपसा हुआ हिस्सा जो आता है वो गॉलब्लैडर 21 है। तो नीडलिंग के लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको ये वर्ड्स याद रखो, मिडवे बिटवीन DU14 एंड एक्रोमियम, तो आपको मिडवे बिटवीन DU14 या टिप ऑफ एक्रोमियम पूछा है तो भी पॉइंट गॉलब्लैडर 21 है, ये पॉइंट दैट इज बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 एंड द टिप ऑफ एक्रोमियम वो पूछा है तो भी उसका गॉलब्लैडर 21 है, और ट्रेपेजियम मसल पे हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो वो भी गॉलब्लैडर 21 है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि मिडवे बिटवीन DU14 एंड टिप ऑफ एक्रोमियम जो पॉइंट है ट्रेपेजियम मसल पे वो पॉइंट गॉलब्लैडर 21 है, या हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेपेजियम मसल है तो वो भी आपका गॉलब्लैडर 21 है, ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 से टिप ऑफ एक्रोमियम के बीच में जो ट्रेपेजियम मसल पे पॉइंट आ रहा है वो पूछा है तो वो भी गॉलब्लैडर 21 है। द सेम कैन बी आस्क्ड इन टू डिफरेंट वेज, काइंडली डोंट स्क्रिपल ऑन द स्क्रीन। तो गॉलब्लैडर 21 हमारा, अच्छा गॉलब्लैडर 21 इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, तो ये वो कोई कोई क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा भी है कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कोई पॉइंट अगर पूछा गया है तो गॉलब्लैडर 21 है। गॉलब्लैडर 21 इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट टू बैलेंस, इट्स अ होमोस्टेटिस पॉइंट फॉर बैलेंसिंग द हार्मोन्स, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा है। इसका एक्शंस है रेगुलेट्स जी, एक्टिवेट्स द चैनल एंड एलिवेट्स पेन, पेन ट्रांसफॉर्म्स एंड लोअर फ्लेम एंड डिसिपेट्स नोड्यूल्स बिटवीन द ब्रेस्ट एंड द एक्सपेरिट डिलीवरी, सो ये ब्रेस्ट को भी करता है, और जैसे मैंने इसको बताया कि आपको ये बॉडी का हार्मोन के लिए बेस्ट पॉइंट है ये गॉलब्लैडर 21,
तो हार्मोन्स को अगर बैलेंस करना है तो आप गॉलब्लैडर 21 को आपको जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और नेक के लोकल एरिया में वो नेक पेन के लिए, शोल्डर के लिए यूज हो सकता है, एंड प्रोलॉन्ग लेबर, इन्वर्शन, काउंटर फ्लो ऑफ आर्म्स एंड लेग्स फॉलोइंग मिसकैरेज, रिटेंशन ऑफ द प्लेसेंटा, यूरिन ब्लीडिंग, ब्रेस्ट पेन के लिए भी आप गॉलब्लैडर 21 को यूज कर सकते हो। और आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने आया देखा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो जिससे न्यूमोथेरक्स हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन में भी गॉलब्लैडर 21 था। तो गॉलब्लैडर 21 को डीप नीडलिंग, लंबा नीडलिंग नहीं करते हैं, नहीं तो लंग पंचर हो सकता है, न्यूमोथेरक्स हो सकता है। दैट इज वन क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर वेदर इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ द काउंसिल या और किसी क्वेश्चन पेपर में दिखा है, लेकिन कहीं पे ये क्वेश्चन है कि गॉलब्लैडर 21 मतलब अगर डीप इंसर्शन किया तो क्या हो सकता है, तो न्यूमोथेरेक्स हो सकता है, दैट इज न्यूमोथेरेक्स इज पंचर ऑफ द लंग, तो वो हो सकता है। इसको डीप लीडिंग इसको नहीं किया जाता है गॉलब्लैडर 21 को। गॉलब्लैडर 40, गॉलब्लैडर 40 जो है यांसोस पॉइंट है गॉलब्लैडर मेरिडियन का, सो यांसोस पॉइंट ऑफ द गॉलब्लैडर मेरिडियन है। इसका एक्शन पहले तो लोकेशन एट द एंकल जॉइंट इन द डिप्रेशन एंटीरियर इंफीरियर टू द लेटरल मेरुलस, तो लेटरल मेरुलस है इससे एंटीरियर आगे की तरफ है, एंटीरियर एंड इंफीरियर उससे नीचे है, तो हमारा ये जो एंकल जॉइंट है इसके डिप्रेशन में आगे और नीचे की तरफ जो पॉइंट है वो लेटरल मेरुलस पे गॉलब्लैडर 40 है। तो ये जो हमारे एंकल के आसपास के पॉइंट है ना, इसमें गॉलब्लैडर 40 आता है, एसटी 41 आता है, फिर आपका यहाँ पर अगर हम एंकल के पीछे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर 60 आएगा। अगर इनर मेरुलस के पास हम जाएंगे, ये आउटर मेरुलस है, तो आउटर मेलेलस के बाहर आप जाते हो तो आपको यूबी 60 मिलता है, इनर मेलेलस के पीछे आप जाते हो तो आपको किडनी 3 मिलता है। ये जो हमारा एंकल जॉइंट है और ये जो एंकल क्रीज है, तो वहां पर हमको गॉलब्लैडर 40 मिलता है, एसटी 41 मिलता है, और हमको लिवर का 4 पॉइंट मिलता है। तो लिवर 4, ये सारे कुछ हमारे एंकल जॉइंट पे पॉइंट्स है। तो फ्रॉम द एनाटॉमिकल वो सर्फेसिस पे आप याद रखो कि एंकल पे कौन से पॉइंट है, नी पे कौन से पॉइंट है, थाई पे कौन से पॉइंट है, रिस्ट पे कौन से पॉइंट है, एल्बो पे कौन से है, शोल्डर पे, उसका लिस्ट आप याद रखो। सेंड देम एंड कैन वी मेक एंड सेंड देम द लिस्ट ऑफ द पॉइंट्स सो पॉइंट्स के लोकेशन ऑफ हां देन सेंड देम। ओके, सो आई विल सेंड यू जो मैं आपको बोल रही हूं ना, आपका एंकल के पास में कौन से पॉइंट है। ओके, वी विल ट्राई टू सेंड आपको कि कौन से हैं, अभी बनाए नहीं है लेकिन बना के एग्जाम से पहले भेज देंगे, ठीक है। सो गॉलब्लैडर 40 के लिए है डिस्टेंशन एंड पेन ऑफ चेस्ट एंड लेटरल कोस्टल रीजन एंड इनएबिलिटी टू कैच द ब्रेथ, स्वेलिंग इन द एक्सिला, सडन शैंड डिसऑर्डर, हार्डनेस ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जनरली गॉलब्लैडर 40 का लोकेशन ही मैंने क्वेश्चन पेपर्स में देखा है अभी तक जहां पे भी पूछा गया है। गॉलब्लैडर 31 है, तो गॉलब्लैडर 31 जब आप खड़े रहोगे आपकी मिडिल फिंगर जहाँ पे टच होती है वहां पे गॉलब्लैडर 31 आता है, और इसको 7 जून सुपीरियर टू द पॉपुलेटल क्रीज, ये पॉपुलेटल क्रीज है, इससे 7 जून सुपीरियर ऊपर आप जाओगे तो आपको ये पॉइंट जो है वो गॉलब्लैडर 31 पॉइंट आपको ये मिलता है, दैट इज गॉलब्लैडर 31। और गॉलब्लैडर 31 पूरे बॉडी में अगर कहीं पे भी इचिंग, फुल बॉडी में इचिंग हो रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एलिवेट्स इचिंग, आ गया ना एक्शन में इसके, एलिमिनेट्स विंड, एलिवेट्स इचिंग, एक्टिवेट्स द चैनल, एलिवेट्स पेन। आपका साइटिक पेन वगैरह है तो उसके लिए तो आप ये पॉइंट यूज करोगे, एज अ लोकल पॉइंट ऑफ लेग है उसके लिए भी यूज करोगे, लेकिन गॉलब्लैडर 31 के लिए आपको याद रखना की एलिवेट्स इचिंग, इसका ये पॉइंट का एक पिक्युलैरिटी है कि अगर फुल बॉडी में इचिंग है या कहीं पे भी इचिंग है, स्पेशली फुल बॉडी के लिए ज्यादा यूज होता है, लेकिन कहीं पे भी इचिंग है तो आप गॉलब्लैडर 31 यूज कर सकते हो। गॉलब्लैडर 31 से इचिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इचिंग ऑफ द होल बॉडी अर्टिकेरिया जो है उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है गॉलब्लैडर 31। हेमिफ्रीजिया, एट्रोफी डिसऑर्डर, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर लिम, कोल्ड पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन, साइटिका, लेग ची, नमनेस ऑफ लेग, वीकनेस एंड फिबलनेस ऑफ एग, हैवी सेंसेशन। तो गॉलब्लैडर 31 के लिए तो आपको लोकेशन याद रखना है, पॉपिटल केस से अगर आप सुपीरियर 7 जून जाओगे तो आपको ये जो पॉइंट है वो गॉलब्लैडर 31 मिलता है। एक इसका लोकेशन, दूसरा इसका जो स्पेसिफिक यूज है, जो स्पेसिफिक पिक्युलैरिटी इस पॉइंट का है, ये इचिंग ऑफ द होल बॉडी के लिए। तो गॉलब्लैडर 31 के लिए मुझे लगता है ये दो चीजें ही आप याद रखोगे, उसका लोकेशन और इचिंग ऑफ द होल बॉडी, तो इनफ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। गॉलब्लैडर 34 हमारा है ये, तो गॉलब्लैडर 34 इज अ इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर व्हाट, लिखो तो
चैट बॉक्स में गॉर्बेट 34 इन्फ्लुएंशियल फॉर व्हाट? इन्फ्लुएंशियल 8 ही पॉइंट है, याद किया कि नहीं अभी तक? आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर. गॉलबेटर पॉइंट 34 इज इन्फ्लुएंशियल फॉर, किसने दिया आंसर? शुभाजी's answer is correct. It is muscle and tendon. Blood के लिए थोड़ी है, bone marrow के लिए जो point है वो gallbladder 39 है. और हाँ, और blood के लिए जो है वो UB17 है. Gallbladder 34 हमारा muscle and tendons के लिए है, influential. तो आगे का पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो पहले पढ़ा दिया है वो भूल मत जाओ, उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है? तो गॉलब्लैडर 34 जो आपका है, दैट इज एन इन्फ्लुएंशियल फॉर पॉइंट फॉर मसल्स एंड टेंडन्स. कोई भी मसल एंड टेंडन का डिसऑर्डर आप ठीक करो तो उसमें इन्फ्लुएंशियल फॉर गॉलब्लैडर 34 होगा. आपको एज एन एक्यूपंचरिस्ट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम पेशेंट मसल या टेंडन के आएंगे, या तो बोन एंड कार्टिलेजेस के आएंगे. तो UB11 बोन एंड कार्टिलेजेस के लिए, UB34 जो आपका है मसल एंड टेंडन के लिए है, गॉलब्लैडर 34 मसल एंड टेंडन के लिए, गॉलब्लैडर 39 जो है आपका बोन मैरो के लिए, ठीक है? तो गॉलब्लैडर 34 इज हीशी एंड द अर्थ पॉइंट ऑफ द गॉलब्लैडर चैनल, लोकेशन बिलो द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी इन द टेंडर डिप्रेशन अप्रोक्सीमेटली 1 inch एंटीरियर इंफीरियर टू द हेड ऑफ फिबुला. पूरे पूरे जो हमारे एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है बॉडी में, उसमें हेड ऑफ द फिबुला पे एक ही पॉइंट है जो गॉलब्लैडर 34 है. तो गॉलब्लैडर 34 के लिए हेड ऑफ फिबुला में आपको कोई भी पॉइंट पूछा है तो आप गॉलब्लैडर 34 आंख बंद करके लिख लीजिए. और दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि गॉलब्लैडर 34, ST36 और स्प्लीन 6 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है. स्प्लीन 6 जो है वो मेडियल साइड में है, ST36 लेटरल साइड में है, और गॉलब्लैडर 34 भी 36 से लेटरल गॉलब्लैडर 34 है. ये सारे के सारे ST36 गॉलब्लैडर 34 स्प्लीन 6 एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है? लेकिन आपको गॉलब्लैडर 34 के लिए आपको याद रखना है कि हेड ऑफ द फिबुला पे ये पॉइंट है, हेड ऑफ द फिबुला पे एक ही पॉइंट है जो गॉलब्लैडर 34 है. तो ये आपको लोकेशन इसके लिए याद करना है. तो SP9, ST36 और गॉलब्लैडर 34 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पॉइंट है. एक्शन गॉलब्लैडर 34 का आपको भी बताया गया कि सिन्यूज को, मसल जो टेंडन्स है मसल एंड टेंडन्स को, इनको ये बेनिफिट करता है, जॉइंट्स को बेनिफिट करता है. एक्टिवेट द चैनल एंड एलिवेट पेन, स्प्रेड लिवर ची एंड बेनिफिट द लेटरल कोस्टल रीजन, क्लियर्स लीवर एंड गॉलब्लैडर डैम, इट हार्मोनाइजेस शोया. सो इसमें रिलेटेड टू जितना भी मसल और टेंडन रिलेटेड जितनी भी डिजीज आती है वो सब गॉलब्लैडर 34 में आएगी. एनीथिंग न्यू? कुछ नहीं है. Gallbladder 34 was indicated for swelling and numbness of knee, obstruction, hemiplegia and inability to raise the leg. Action of Gallbladder 34 is not confined to lower limb. However, and it may be used in different in the treatment of stiffness of neck and shoulder and pain of sinews in elbow. कहीं के भी sinews होंगे, वहाँ पर कहीं के भी muscles and tendons है, तो आपको Gallbladder 34 use करना है, सिर्फ lower limb के नहीं. गॉलब्लैडर 37, तो गॉलब्लैडर 37 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है गॉलब्लैडर मेरिडियन का, और ये स्पेसिफिक भी है ना, किसी चीज के लिए स्पेसिफिक पॉइंट भी है. जो डिस्टल पॉइंट का लिस्ट किया था उसमें नहीं था, लेकिन ये फिर भी एक स्पेसिफिक डिस्टल पॉइंट है. किस चीज के लिए है, जिसको याद है वो चैट बॉक्स में लिखो. गॉलब्लैडर 37 जो है वो किस चीज के लिए डिस्टल पॉइंट है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है? दो तीन लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोग इसको दोबारा याद करो. आई स्पेसिफिक पॉइंट है गॉलब्लैडर 37. आईज का कोई भी डिसऑर्डर है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है. आप चश्मे का ट्रीटमेंट कर रहे हो, रेटिना का ट्रीटमेंट कर रहे हो, मैकुलर डिजनरेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हो, नेम ऑफ द डिजीज आप ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कर रहे हो, डिजीज का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आईज के रिलेटेड कुछ भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो गॉलब्लैडर 37 उसका स्पेसिफिक है. एंड इट इज ऑल्सो लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ गॉलब्लैडर मेरिडियन. गॉलब्लैडर मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और आई स्पेसिफिक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है गॉलब्लैडर 37. अच्छा, इसका लोकेशन तो देखा ही नहीं हमने. गॉलब्लैडर 37 लोकेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग, 5 inch सुपीरियर टू द प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल मेलुलस एट द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला. तो आपका ये जो हेड ऑफ द फिबुला पे गॉलब्लैडर 34 था, और ये जो फिबुला है यहाँ से हमारा जो आउटर मेलुलस है, ये बाहर का जो टखना है, यहाँ से 5 inch ऊपर हम जाते हैं तो ये हमको गॉलब्लैडर 37 मिलता है. दो पॉइंट लोकेशन आप याद रखिए.
गॉलब्लैडर 37 5 जून है और गॉलब्लैडर 39 3 जून है, क्योंकि गॉलब्लैडर 39 आपका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है किसके लिए, बोन मैरो के लिए। तो जब आपको गॉलब्लैडर 39 पूछा अगर है तो गॉलब्लैडर 39 3 जून है और गॉलब्लैडर 37 5 जून है, कहां से, आउटर मेलेलेस से, बाहर के टखने से जो है आउटर मेलेलेस से गॉलब्लैडर 37 5 जून है, गॉलब्लैडर 39 है वो 3 जून है और गॉलब्लैडर 34 हेड ऑफ द फिबुला पे है, ये फिबुला के पास पॉइंट है। तो हेड ऑफ फिबुला पे एक ही पॉइंट है पूरे बॉडी का, वो है गॉलब्लैडर 34। फिबुला पे जो दूसरा पॉइंट है वो लेटरल मेलेलेस है, 5 जून ऊपर जब आप जाते हो, सुपीरियर जाते हो, 5 जून सुपीरियर टू लेटरल मेलेलेस, तो आपको गॉलब्लैडर 37 मिलता है। आउटर मेलेलेस से 3 जून जाते हो आप तो आपको गॉलब्लैडर 39 मिलता है, ये आपको याद रखना है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द लेटरल मेलेलेस एंड द पोपिटल क्रीज, तो आपका डिस्टेंस बिटवीन लेटरल मेलेलेस और पोपिटल क्रीज का 16 जून है। Locate 37 just distal to the junction of the two upper third and lower third of this line. Upper or lower third, two upper third or lower two lower third में करेंगे, total 5 में divide कर रहे हैं ये, लेकिन आप directly इसको याद रख सकते हो कि ये 5 जून है आपका, कहाँ से, lateral malleolus से। और अगर आप popliteal crease से कर रहे हो तो 16 minus 5 करो तो आपको मिल जाएगा, total distance है 16 जून, ठीक है ना। So above the region of 39 the fibula is not easily palpable because it is covered by the brevis muscle, therefore feel the anterior border of the fibula above the ankle joint where it is easily palpable. ye to agar aapko needling karna hai tab aapko ye janne ki zarurat hai, ek bar exam pass ho jao fir aapko practical training ke liye, mostly I'll be coming to Mumbai, so those people are interested into practical training after exams let me know, then we'll have practical sessions in Mumbai only, okay. Those who want to come at Vadodara, welcome to Vadodara. But generally Mumbai, I do take classes, so I'll be taking a practical class for all this. How to find this point, how to needle this point, वो सब technique हम exam के बाद करेंगे। अभी खाली याद रखो exam के लिए locations, ठीक है? तो gallbladder 37 5 जून है lateral malleolus से, gallbladder 39 जो है वो 3 जून है lateral malleolus से, इतना ही याद रखना है। gallbladder 37 में eyes related जितने disease है वो सब आएगी, eye pain, night blindness, itching of eyes, long sightedness, short sightedness, आंखों के रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो आएगी। ये पैर के एरिया में है तो पैर के दर्द वाले जो सारे डिसऑर्डर्स है वो भी इसमें आएंगे। और लियो कनेक्टिंग पॉइंट तो ये है ही, जो गॉलब्लैडर और लिवर मेरिडियन का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर रिलेटेड चैनल के लिए लियो कनेक्टिंग पॉइंट यूज होता है, वो हमने कर लिया था। गॉलब्लैडर 39 जैसे हमने अभी बात किया कि इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, और ये मैरो के लिए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, और लेटरल मेलेलेस से ये 3 जून है। अबाउट द एंकल जॉइंट 3 जून सुपीरियर टू द प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल मेलेलेस between the posterior border of the fibula and the tendons of the peroneus, longus and brevis. तो यहाँ पर आपके lateral meleleus से 3 इंच ऊपर आप जाओगे तो आपको gallbladder 39 मिलेगा, और हमने पहले ही बात कर ली है कि ये पॉइंट हमारा जो है मैरो के लिए है, बोन मैरो के लिए, बेनिफिट द sinews एंड बोन्स, बेनिफिट द नेक, डिस्पेल वेन, क्लियर ब्लैडर फायर, एक्टिवेट्स द चैनल एंड एलिवेट्स पेन। तो स्टिफनेस ऑफ द नेक में एट्रोफी डिसऑर्डर्स कोई भी है मसल रिलेटेड तो आप इसको यूज कर सकते हैं, हेमिप्लेजिया पैरालिसिस में यूज कर सकते हैं, हेडेक में यूज कर सकते हैं, नोज ब्लीड में, ड्राइनेस ऑफ द नोज में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना है कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है बोन मैरो के लिए, और बोन मैरो रिलेटेड डिजीज में सबसे ज्यादा यूज होगा। स्ट्रांग एक्शन ऑन बेनिफिटिंग द बोन मैरो, bone is indicated for a wide range of disorder characterized by weakness, plasticity, contraction and pain of the limbs. Where gallbladder 43. Gallbladder 43 जो हमारा है वो इनस्प्रिंग एंड वाटर पॉइंट है गॉलबेडर मेरिडियन का। इसका लोकेशन है द फोर्थ टो एंड द लिटल टो 0.5 जून प्रॉक्सिमल टू द मार्जिन ऑफ द वेब। सो इजिली लोकेट कर सकते हैं, लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा इसके लिए आपको याद रखना है कि गॉलबेडर चैनल का ये वाटर पॉइंट है, इंग स्प्रिंग एंड वाटर पॉइंट ऑफ द गॉलब्लैडर मेरिडियन गॉलब्लैडर 43 है। फाइशू पॉइंट्स को किसी भी तरह से याद करो, एक्शन क्लियर हीट एंड बेनिफिट द हेड ईयर एंड आईज, क्लियर डैम्प हीट फ्रॉम द चैनल एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग। सो इस हेड को, ईयर को, आईज को, सबको ये बेनिफिट करेगा गॉलब्लैडर 43। ओके, लिवर मेरिडियन, सो लिवर मेरिडियन जो है, लिवर मेरिडियन के टोटल पॉइंट 14 है, पर्टेनिंग ऑर्गन लिवर है, उसका कपल जो है वो गॉलब्लैडर है, एलिमेंट वुड है, एनर्जी फ्लो सेंट्रिपिटल है। लिवर मेरिडियन का लिवर डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा, आई डिसऑर्डर को ठीक करेगा,
पॉइंट्स ऑन लेग एंड यूरोजेनिटल डिसऑर्डर्स के लिए भी लीवर यूज होता है क्योंकि उसका पाथवे जा रहा है यूरोजेनिटल ऑर्गन के पास से। आप पाथवेज भी चेक करो इनके मेरिडियंस के। मसल एंड टेंडन डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा। डिजीज अलॉन्ग द चैनल पॉइंट ऑन द ट्रंक आर यूज फॉर लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर, स्प्लीन डिसऑर्डर, हेडेक एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिवर टू फायर पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। लिवर टू इज द फायर पॉइंट ऑफ लिवर चैनल। तो जब भी बॉडी में से फायर कम करना है, लिवर फायर को कम करते हैं। सो लिवर फायर का पॉइंट जो आपका है वो कौन सा है? लिवर टू। सो इट इज द फायर पॉइंट एंड द इन स्प्रिंग पॉइंट ऑफ द लिवर चैनल। यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज द इन स्प्रिंग पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑफ द लिवर चैनल। लोकेशन बहुत ही ईजी है इसका। ये वेब जो फर्स्ट और सेकेंड टो है, इसके वेब से 0.5 इंच सुपीरियर जाओगे आप तो ये पॉइंट आपको लिवर टू मिलेगा। ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो 0.5 इंच प्रॉक्सिमल टू द मार्जिन ऑफ द वेब में आपको ये पॉइंट मिलेगा। क्लियर्स लिवर, लिवर का फायर, स्प्रेड्स लिवर शी। आंख भी अगर आपकी आई में रेडनेस हो जाता है या सडन दिखना बंद हो जाता है तो ये सब कुछ लिवर हीट इंक्रीज होने से होता है। तो उस टाइम पे लिवर टू को सेडेट किया जाता है। दिस इज द सन पॉइंट ऑफ द लिवर चैनल, लिवर टू। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो द सन पॉइंट। द फायर पॉइंट है तो वुड का जो सन कौन हुआ? फायर। तो आपको याद रखना की इंस्प्रिंग पॉइंट है, फायर पॉइंट है और लिवर का सन पॉइंट है। ठीक है, लिवर का सन पॉइंट लिवर टू है जिससे कि लिवर की हम फायर को कम कर सकते हैं, बॉडी में लिवर विंड को कम कर सकते हैं, हीट को कम कर सकते हैं, स्टॉप्स ब्लीडिंग एंड बेनिफिट्स द लोअर जीआउ। तो पेन एंड ईचिंग ऑफ द जेनिटल्स है तब भी आप लिवर टू को यूज करोगे। जेनिटल मेल फीमेल कोई भी जेनिटल प्रॉब्लम है तो आप लिवर टू को यूज कर सकते हो। सडन इनवॉलेंटरी इरेक्शन, द सेवन काइंड ऑफ शैन डिसऑर्डर, यूरिनरी डिसफंक्शन, एन्यूरेसिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन रिटेंशन है तो भी आप यूज कर सकते हो डिफिकल्ट यूरिनेशन में। राइट एंड रेड एंड व्हाइट ल्यूकेरिया में यूज कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। बेसिकली आपको याद रखना है कि लिवर की फायर को रिड्यूस करता है लिवर टू। ठीक है, बॉडी में कहीं पे भी वैसे तो हीट है तो लिवर टू को आप सेडेट कर सकते हो। पेन एंड ईचिंग ऑफ जेनिटल्स मेन, इसमें जेनिटल्स के जो पेन एंड ईचिंग है उसके लिए है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर कफिंग में, वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तब भी आप लिवर टू को यूज कर सकते हो। दैट इज बिकॉज ऑफ द मोर फायर इन टू द बॉडी, तो उस टाइम पे भी आप यूज कर सकते हो लिवर टू। लंबर पेन विद डिफिकल्टी इन फ्लेक्सिंग एंड एक्सटेंडिंग द बैक, स्वेलिंग ऑफ द नी, पेन ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द लेग, इन सब में आप लिवर टू को यूज कर सकते हो। लिवर टू के लिए आपको जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि लिवर टू जो है वो फायर पॉइंट है इसका, लिवर मेरिडियन का, और फायर पॉइंट होने की वजह से वो सन पॉइंट है लिवर मेरिडियन का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिवर टू इज द इंस्प्रिंग एंड द फायर पॉइंट ऑफ लिवर चैनल, इज देयरफॉर प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ दिस चैनल इंडीड इन द होल बॉडी टू क्लियर लिवर फायर। पूरे बॉडी में कहीं पे भी फायर है तो लिवर टू से आप कम कर सकते हो। लिवर थ्री, लिवर थ्री का अब हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन फोर के साथ अगर लिवर थ्री देते हैं तो उसको फोर गेट बोलते हैं, याद है आपको। तो बॉडी में कोई भी चीज को मूविंग रखने के लिए लिवर थ्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका लोकेशन का ये दूसरा कि ये लिवर का यांसोर्स पॉइंट है, लिवर टू लिवर का सन पॉइंट है, लिवर थ्री यांसोर्स पॉइंट है एंड लिवर एट उसका मदर पॉइंट है। इतना तो आपको लिवर में ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? लिवर टू उसका सन पॉइंट है, लिवर थ्री जो है उसका यांसोर्स पॉइंट है और लिवर एट जो है उसका मदर पॉइंट है। लिवर के लिए इतना याद रखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और लिवर टू फायर पॉइंट है, बॉडी में कहीं से भी फायर कम करना है तो आप लिवर टू को आप यूज कर सकते हो। लिवर थ्री जो है कोई भी चीज को बॉडी में मूव करना है, चाहे ब्लड को मूव करना है, चाहे फूड को मूव करना है, किसी भी चीज को मूविंग रखने के लिए लिवर थ्री इंपॉर्टेंट है। और लिवर एट जो है लिवर को टोनिफाई करता है क्योंकि वो लिवर का मदर पॉइंट है। तो लिवर टू, लिवर थ्री, लिवर एट आपको याद रखने है। और ये जैसे ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट इन द हॉलो डिस्टल टू द जंक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन। सो ये मेटर जैसे आपका LI4 फर्स्ट एंड सेकेंड मेटर कार्पल बोन के गड्ढे में है, उसी तरह से ये लिवर थ्री जो है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन में है। तो हाथ के जो है उसको मेटाकार्पल बोलते हैं, पैर के जो है उसको मेटाटार्सल बोलते हैं बोन को, उसके बीच में ये पॉइंट LI3 है। स्प्रेड्स लिवर ची, लिवर यांग को एस्टिंग्विश करता है, लिवर ब्लड को नरिश करता है, क्लियर द हेड एंड आईज, रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन, रेगुलेट्स लोअर जीआउ। सो अभी हमने लिवर थ्री के बारे में ही सब बात की थी। सो आपको हेडेक है, डेजीनेस है, डिस्टेंशन है,
इनएबिलिटी टू कैच द ब्रेथ, स्वेलिंग है, अगर आपके एक्सिला में जो है वो आपका स्वेलिंग है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. आई एम नॉट रीडिंग ऑल द इंडिकेशन. लिवर थ्री इज द शूस्ट्रीम एंड द यांसोस पॉइंट ऑफ लिवर चैनल. ये आपको याद रखना है कि वो शूस्ट्रीम पॉइंट है और यांसोस पॉइंट है. द यूज ऑफ द शूस्ट्रीम पॉइंट आर रिकमेंडेड इन द डिसऑर्डर ऑफ ज़ैंग. When the five Zanga disease, select the 12 Yanso's point. आपको हमने पहले भी बोला है कि ईंग के Yanso's point को हम उस meridian को tonify करने के लिए mother point के साथ combination में use कर सकते हैं. Liver 3 is the most important point of liver channel with an extensive range of action and may be used with equal effect for both excess and deficiency pattern of liver. तो liver 3 excess और deficiency दोनों ही pattern के लिए use किया जाता है. वैसे इसका जो secretion का point है, जो एक्सेस का एक्सेस को रिड्यूस करने का पॉइंट है वो लिवर टू है, लेकिन लिवर थ्री एक पॉइंट ऐसा है जो एक्सेस के लिए भी यूज हो सकता है, डेफिशिएंसी के लिए. लिवर एट जो है वो उसका मदर पॉइंट है, लिवर थ्री जो है उसका यांसोस पॉइंट है. कीप रिमेम्बरिंग, कीप रिमेम्बरिंग. लिवर एट हीशी पॉइंट, वॉटर पॉइंट ऑफ द लिवर चैनल. यहाँ पे ये हीशी पॉइंट भी है, वॉटर पॉइंट भी है और मदर पॉइंट भी है लिवर का. हीशी पॉइंट, वॉटर पॉइंट एंड मदर पॉइंट ऑफ लिवर मेरिडियन इज लिवर एट. Just superior to the medial under of the popliteal crease in the depression, anterior to the tendon of semitendinosus and semitendinous membranes, about 1 jun anterior to kidney 10. Kidney 10 से 1 jun anterior पे ये जो point है वो liver 8 है. तो इसके लिए आपको दो tendon के नाम याद रखने हैं, semitendinous and semimembranous. ये दो tendon है. So, उसका किडनी 10 से 1 जून एंटीरियर में जाएंगे, किडनी 10 से 1 जून एंटीरियर में जाएंगे तो आपको किडनी लिवर 8 पॉइंट मिलेगा. और लिवर 8 के लिए हमने बात कर ली है कि मदर पॉइंट है ये लिवर मेरिडियन का. इंडिकेशन इसमें, क्योंकि लिवर का जो मेरिडियन है ये जेनिटल एरिया के पास से ऐसा सर्कल होके जाता है, जैसे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन ईयर को एनसर्कल करता है, ऐसा लिवर मेरिडियन जेनिटल को एनसर्कल करता है. ट्रिपल वार्मर मेरिडियन ईयर को एनसर्कल करता है, इससे ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर सारे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन से हो सकते हैं. ऐसे ही लिवर मेरिडियन आप अगर इसका पाथवे देखोगे तो ये जेनिटल के को एनसर्कल करता है, इसलिए सारे जेनिटल डिसऑर्डर्स लाइक स्वेलिंग एंड इचिंग ऑफ जेनिटल पेन ऑफ पेन इज इम्पोर्टेंट. सेमिनल इमेशन एसोसिएटेड विद सेक्सुअल टैक्सेशन, डिफिकल्ट यूरिनेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, एन्यूरेसिस, डायरिया कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड, डायरिया कंटेनिंग ब्लड एंड पस, नो प्लेजर इन ईटिंग, ये सब में आप लिवर एड को यूज कर सकते हैं. फीमेल के सारे जो जेनिटल डिसऑर्डर्स है वो भी इसमें आ रहे हैं, लाइक यूट्राइन प्रोलैप्स है, एब्डोमिनल मासेस इन वुमेन ड्यू टू ब्लड स्ट्रेसेस, हाइपोगैस्ट्रियम मेनिया डिसऑर्डर्स, नी का पेन, नी के पास है तो नी का पेन स्वेलिंग के लिए भी आप लिवर एड को यूज कर सकते हो. लिवर 14 हमारा म्यूफ्रन पॉइंट है लिवर का, लिवर 13 हमारा स्प्लीन का म्यूफ्रन पॉइंट है और लिवर 14 हमारा लिवर का म्यूफ्रन पॉइंट है. लिवर 13 हमारा स्प्लीन का म्यूफ्रन पॉइंट है, लिवर 14 हमारा लिवर का म्यूफ्रन पॉइंट है. लोकेशन ऑन द मेलमरी लाइन इन द सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस. सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे ये पॉइंट हमको लिवर 14 मिलता है. आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपका जो पॉइंट है वो ST 18 है. ST 17 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है. तो ST 17 के नीचे ST 18 है और ST 18 के ही नीचे ये पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा लिवर 14 है, जो हमारे सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे है. फोर्चून लेटरल टू द मिडल लाइन. मिडल लाइन से फोर्चून लेटरली हम जाएंगे तो ये पॉइंट हमको लिवर 14 मिलता है. स्प्रेड्स, तो आपका ये म्यूफ्रन पॉइंट है लिवर का, तो एक्यूट कोई भी डिसऑर्डर ऑफ लिवर होंगे तो उसमें आपको यूज करना है, वही आपको मेन इसमें याद रखना है. स्प्रेड्स द लिवर एंड रेगुलेट्स टी, इनग्रेट्स ब्लड एंड डिस्पर्सेस मासेस, हार्मोनाइजेस द लिवर एंड स्टमक. सो सारे जो भी एक्यूट डिसऑर्डर्स ऑफ द लिवर होंगे उसके लिए आप इसको यूज करो. लिवर 14 इज द म्यूफ्रन पॉइंट ऑफ लिवर. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम साइकिल गेट. लिवर 14 का जो नाम है दैट इज साइकिल गेट है, क्योंकि हमारा जो लंग 1 से शुरू हो रहा है साइकिल और लिवर 14 पे खत्म हो रहा है. जो पूरा साइकिल है ना हमारा, आपको एबीसीडी के हिसाब से भी पता है, एबीसीडी एफ जी एच आई जी के एल तक हमारे नाम है ना मेरिडियन के, तो लंग से शुरू हो रहा है लिवर पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए लिवर पे ये लिवर 14 इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द मेरिडियन, इसलिए इसको साइकिल गेट बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मेरिडियन कौन सा है, लंग 1, और लास्ट पॉइंट ऑफ द मेरिडियन कौन सा है, लिवर 14. इफ इट इज आस्क्ड इन टू द क्वेश्चन पेपर यू शुड नो दैट लिवर 14 इज द लास्ट पॉइंट. लिवर लंग 1 से जो मेरिडियन का फ्लो शुरू होता है वो एंड कहां पर होता है, लिवर 14 पे. फिर आता है हमारा डीयू मेरिडियन.
तो फ्रंट सेंटर लाइन हमारा डीयू मेरिडियन है, बैक सेंटर लाइन जो हमारा है वो जीबी मेरिडियन है. डीयू मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीबी मेरिडियन. सो ये डीयू मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीयू मेरिडियन हमारा है. सो डीयू मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीवी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल मेरिडियन. पोलैरिटी यांग है, नंबर ऑफ पॉइंट 28 है. रिलेटेड चैनल जो इसका है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो आपको बार बार बोला था मैंने, डीयू का रिलेटेड चैनल रेन होगा और रेन का रिलेटेड चैनल डीयू होगा. क्लिनिकल यूजेस जो होगा, एनोरेक्टल डिसऑर्डर, लोअर बैक पेन, आपकी बैक सेंटर लाइन है ना, सो लोअर बैक पेन, इम्यूनिटी डिसऑर्डर जो सबसे पीछे है ये, तो पीछे जो होगा जो यांग में होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है. तो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो सारे इसमें ठीक होंगे. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, डेफनेस एंड ओरल डिसऑर्डर्स. डीयू थ्री, डीयू फोर, ये लोकेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि डीयू थ्री ऑन द मिडल लाइन ऑफ द लोअर बैक इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द फोर्थ लंबर वर्टीब्रा. फोर्थ लंबर वर्टीब्रा के नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको जीबी थ्री पॉइंट मिलता है. यहाँ से डेढ़ जून हम जाएंगे तो यूबी 25 मिलता है. यूबी 25 जो हमारा है वो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का बैक शू पॉइंट है, इसलिए हमको ये लोकेशन याद रखना है. ठीक है, इसके इंडिकेशन ज्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन ये चीज आपको डीयू थ्री के लिए याद रखनी है. क्या याद रखनी है, नंबर फोर जो है उसके नीचे जो पॉइंट है वो जीबी थ्री पॉइंट है, डीयू थ्री पॉइंट है. यहाँ से अगर डेढ़ जून हम दोनों साइड जाते हैं तो हमको यूबी 25 पॉइंट मिलता है, और यूबी 25 जो पॉइंट है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो हमारा बैक शू पॉइंट है. ठीक है, इसलिए आपको डीयू थ्री याद रखना है. डिस्पेल्स विंड डैम बेनिफिट द लंबर रीजन, लंबर में तो लंबर और लेग्स को वो बेनिफिट करता है और लोअर जीआई को रेगुलेट करता है. ड्यू फोर, तो ड्यू फोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं इसको, मतलब डे वन से और डे एट तक हम ड्यू फोर को बोलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी यौनची स्टोर है. तो ये डीयू फोर जो हमारा है लंबर वर्टीब्रा टू है, उसके स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो पॉइंट है वो हमारा डीयू फोर है. यहाँ से डेढ़ डेढ़ जून पे हम दोनों तरफ जाते हैं तो हमको यूबी 23 पॉइंट मिलता है, और हमारे किडनी का बैक शू पॉइंट है. किडनी का म्यूफ्रन पॉइंट क्या है, गॉल ब्लैडर 25 म्यूफ्रन पॉइंट किडनी 23 नो यूबी 23 किडनी का बैक शू म्यूफ्रंट पॉइंट लिखो तो गॉलब्लैडर 25 है उसका म्यूफ्रंट पॉइंट. ठीक है, सो डीयू फोर ऑन द मिडल लाइन ऑफ द लोअर बैक इन द डिप्रेशन बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेकंड लंबर वर्टीब्रा. तो क्या क्या याद रखना है डीयू फोर के लिए, एक तो लंबर वर्टीब्रा के स्पाइनस प्रोसेस के नीचे है ये पॉइंट डीयू फोर है. ये पॉइंट को मिंगमैन कहा जाता है. यहाँ पे यांसो सी स्टोर होती है. यहाँ से डेढ़ जून पे आप जाते हो तो यूबी 23 पॉइंट मिलता है. ये यूबी 23 पॉइंट जो है हमारा किडनी का बैक शू पॉइंट है, और किडनी का म्यूफ्रंट पॉइंट हमारा गॉल ब्लैडर 25. फास्ट हो गया, दोबारा सुनना रिकॉर्डिंग. क्लियर हीट्स रेगुलेट्स द गवर्निंग वेसल, टोनिफाइज किडनी, बेनिफिट्स द लंबर, क्योंकि बहुत बार कर लिया हमने इसलिए बोला मैंने सब. ठीक है, तो ये बैक पे आ रहा है तो बैक की कोई भी डिसऑर्डर्स होंगे तो आप उसमें ले सकते हो. डीयू फोर इज द पॉइंट ऑफ जीवी which is known as the sea of yang channel, sea of yang channel, and therefore has a strong regulatory effect on yang and the exterior portion of the body. On the left is the kidney, on the right is the mingmen, which is according to mingmen decides between the two kidneys. These two concentration help explain the fact that indication give DU4 emphasizing the treatment of heat disorder. Jitne bhi heat disorders hai, usme bhi DU4 ko aap use kar sakte ho. Aur aapka jo mingmen hai, वो राइट किडनी में जो ऑन द राइट साइड ऑफ द किडनी है उसमें स्टोर होता है मिंगमैन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. डीयू 11, तो डीयू 11 के लिए भी मैंने कई बार आपको बता दिया अभी कि स्पेशली मेमोरी के लिए आप ये याद रखो कि डीयू 11 जो है वो मेमोरी के लिए है, और थोरेसिक 5 जो हमारा वर्टीब्रा है उसके स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जब आप जाओगे तो ये पॉइंट आपको डीयू 11 मिलता है. डीयू 11 डीयू 14 में पता नहीं क्यों आप लोग इतने कंफ्यूज होते हो. C7 के नीचे आप जाओगे तो DU 14 है. T5 के नीचे जब आप आएंगे तब DU 11 है. DU 14 जो है वो हमारा इम्यूनिटी पॉइंट है, बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है, और DU 11 है हमारा बेस्ट मेमोरी के लिए पॉइंट. DU 11 टोनिफाइज द हार्ट एंड लंग, काम्स द स्पिरिट, क्लियर हीट एंड पेसिफाइड विंड. DU 11 इज लोकेटेड ऑन द अपर बैक इन द रीजन ऑफ द लंग, लेवल विद यूबी 15 द बैक शू पॉइंट. तो डीयू 11 के लिए T5 आपको याद रखना है. T5 के नीचे डीयू 11 है,
वहां से 1.5 जून 1.5 जून जाओगे तो आपको ब्लैडर 15 मिलता है, जो ब्लैडर 15 आपका हार्ट का बैकशो पॉइंट है। आई विल रिपीट, DU11 थोरेसिक 5 जो है उसके स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो पॉइंट है वो DU11 है। DU11 से 1.5 जून आप लेफ्ट या राइट में जाओगे तो वहां पर ब्लैडर 15 पॉइंट मिलता है आपको, और ये ब्लैडर 15 पॉइंट जो है वो बैकशो पॉइंट है हार्ट का। द लंग डोमिनेट्स की एंड द हार्ट स्टोर्स द स्पिरिट एंड टूगेदर दे आर एक्टिवेटेड बाई गैदरिंग ची। DU11 is indicated for deficiency of gathering chi and malnourishment of and spirit, giving rise to such indication as lack of chi, timidity and shortness of breath, palpitation, disorientation and poor memory. तो सबसे ज्यादा DU11 क्लिनिकली जो मैंने अभी तक यूज किया है अपने क्लिनिकल यूज में वो डिसोरियंटेशन एंड पुअर मेमोरी के लिए यूज किया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो बच्चों की मेमोरी भी कम है या डिसोरियंटेड है, ओरिएंटेशन नहीं है उनका, फोकस नहीं है, तो आप DU11 जरूर उनको दीजिए। DU14 तो ऑलरेडी हमारी बात हो गई कई बार कि CV7 है उसके नीचे जो आएगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल 7 उसके नीचे DU14 है और बॉडी का बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है। ऑन द मिडलाइन ऑन द बेस ऑफ द नेक इन द डिप्रेशन बिलो द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा DU14 है। एक्सपेल्स विंड एंड फॉर्म्स द एक्सटीरियर क्लियर हीट, ट्रीट्स मलेरिया, टोनिफाइज डेफिशिएंसी, पेसिफाइज विंड। तो आपके इंडिकेशन में बहुत सारे इंडिकेशन है, लेकिन DU14 के लिए आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है वो एक ही चीज याद रखनी है कि ये हमारे बॉडी का बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है, बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है आप याद रखो, तो फिर आपको कोई भी डिजीज है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है हमारा DU14। द गवर्निंग वेसल इज नोन एज द सी ऑफ यांग चैनल एंड DU14 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ गवर्निंग वेसल विद 6 यांग चैनल ऑफ द हैंड एंड फुट। तो हमारे यांग चैनल ऑफ हैंड एंड फुट जो है, तो हमारे 6 यांग चैनल्स जो है इसका मीटिंग पॉइंट है ये DU14। DU14 जो है इसका मीटिंग पॉइंट है। सो DU14 हैज अ स्ट्रांग एक्शन ऑन क्लियरिंग पैथोजेनिक फैक्टर फ्रॉम फॉर्मिंग द एक्सटीरियर यांग पोर्शन ऑफ द बॉडी, क्लियरिंग यांग हीट। इसीलिए ये इम्यूनिटी, क्योंकि पैथोजेंस को ये भगा सकता है, इसीलिए ये जो है बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है। लेकिन आपको इसके लिए ये भी याद रखना है कि ये टोनिफाई करता है ची एंड यांग को, टोनिफाई कर, दो तीन चीजें याद रखो, DU14 टोनिफाई करता है ची एंड यांग को, DU14 टोनिफाई करता है ची एंड यांग को, DU14 बॉडी का बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है, इसीलिए वो कोई भी पैथोजेंस है उसको भगाता है बॉडी के, क्योंकि वो बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट है। और तीसरी चीज के सी ऑफ यांग चैनल है, यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है आपके 6 यांग चैनल का मीटिंग पॉइंट है DU14। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर DU14, बेस्ट इम्यूनिटी पॉइंट, सेकेंड वन इज दैट इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 6 चैनल एंड इट इज टोनिफाइंग जी एंड यांग, ये आपको याद रखना है। DU20 100 मीटिंग, यहाँ पे 100 पॉइंट मीट करते हैं DU20 पे। तो DU20 का जो है, अगर आप एंटीरियर हेयरलाइन से लेते हो तो ये पॉइंट DU27 जून है, और पोस्टीरियर हेयरलाइन से आप लेते हो तो ये पॉइंट आपका 8 जून होता है। एंटीरियर हेयरलाइन से पोस्टीरियर हेयरलाइन का टोटल मेजरमेंट 12 जून है। सो लोकेशन ऑन द वर्टेक्स ऑन द मिडल लाइन इन द डिप्रेशन 5 जून पोस्टीरियर टू द एंटीरियर हेयरलाइन। एंटीरियर हेयरलाइन से लोगे तो 5 जून पीछे पे आएगा एंड 7 जून सुपीरियर टू द पोस्टीरियर हेयरलाइन। ये 7 अगर पीछे की हेयरलाइन से लोगे तो 7 जून पे आएगा ये पॉइंट। दिस पॉइंट मे बी मेजर एट 8 जून पोस्टीरियर टू द ग्लाबेला। अगर ये ग्लाबेला से हम ले रहे हैं तो 8 जून है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में मुझे ग्लाबेला से पूछा गया, इसको मिला है, बाकी जनरली वो एंटीरियर हेयरलाइन से पूछते हैं। तो एंटीरियर हेयरलाइन से 5 जून है, पोस्टीरियर हेयरलाइन से 7 जून पे आप आओगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर हेयरलाइन 12 जून है, लेकिन ग्लाबेला से अगर इसको पूछा जाएगा तो आपका इसका आंसर 8 जून आएगा पोस्टीरियर टू द ग्लाबेला, क्योंकि ये 3 जून है और ये हमारा यहाँ पर 5 जून हुआ तो टोटल 8 जून आएगा। तो ग्लाबेला से अगर पूछा है, दोनों आईब्रो के बीच का पॉइंट है वो ग्लाबेला है, तो ग्लाबेला से पूछा है तो DU20 का पॉइंट 8 जून है एंड 6 जून सुपीरियर टू द एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबेंस। तो ये हमारा पीछे का ये जो हिस्सा है इसको ऑसिपिटल, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबेंस बोलते हैं। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये 6 जून है, अगर हेयरलाइन से देखते हैं तो 7 जून है पोस्टीरियर हेयरलाइन से, पीछे की हेयरलाइन से इस पॉइंट को देखेंगे तो 7 जून है, अगर ऑसिपिटल प्रोटूबेंस से देखते हैं तो 6 जून है। ये सब आपको याद रखना है। ग्लाबेला से अगर पूछ रहे हैं तो 8 जून है, आगे की हेयरलाइन से पूछ रहे हैं तो 5 जून है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से ये पूछा हुआ है, इसलिए सारा याद रखो। इसको वापस से रिपीट करती हूँ।
एंटीरियर हेयरलाइन से ये पॉइंट DU20 जो है वो 5 चुन है, पोस्टीरियर हेयरलाइन से ये पॉइंट जो DU20 है ये 7 चुन है, ऑसिपिटल प्रोटुबेरेंस से जो ये पॉइंट है ये पॉइंट 6 चुन पे आता है, ऑसिपिटल प्रोटुबेरेंस से 6 चुन पे आता है, ग्लाबेला से अगर आप ले रहे हो तो ये पॉइंट हमारा जो है वो 8 चुन पे आता है, ठीक है, गॉलब्लैडर 20 बेस्ट सेडेटिव पॉइंट ऑफ द बॉडी अगर पूछा गया आपको तो गॉलब्लैडर 20 आपका आंसर है, इट इज द बेस्ट सेडेटिव पॉइंट ऑफ द बॉडी, पैसिफाइज विंड एंड सबड्यूज यंग, रेजेस यंग एंड काउंटर प्रोलैप्स, बेनिफिट द हेड एंड सेंस ऑर्गन, नरिशेस द सी ऑफ मैरो, बेनिफिट्स द ब्रेन एंड काम्स द स्पिरिट। इंडिकेशन इसके बहुत सारे हैं, एक तो सब आपको दो चीजें इसके लिए DU20 के लिए याद रखना है कि सबसे ज्यादा ये यूज होता है एज एन सेडेटिव पॉइंट, इट इज द बेस्ट सेडेटिव पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी को सेडेशन में अगर आपको करना है तो DU20 आपका बेस्ट सेडेटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि उसके एग्जैक्ट अपोजिट एंड पे, तो DU20 पे अपोजिट एंड पे हमारे पास हमारा क्या है जेनिटल ऑर्गन है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस अगर आपका है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम अगर आपका है तो उसके लिए भी DU20 यूज होता है, तो DU20 दोनों चीज के लिए है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मोस्टली एज एन सेडेटिव पॉइंट ही पूछा जाएगा उसको। गवर्निंग मीटिंग द गवर्निंग चार्ज एज डिस्टेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन DU26, तो DU26 इज GV26, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, सबसे अच्छा पॉइंट ये है अगर कॉन्शियसनेस में किसी को लाना है उसके लिए इसका लोकेशन याद रखना है, अबव अपर लिप है, ऑन द मिडल लाइन एट द जंक्शन ऑफ द अपर 1/3 एंड द लोअर 2/3 ऑफ द फिल्थ्रम, तो ये फिल्थ्रम के अगर तीन हिस्से हम करते हैं तो अपर लिप का ये जो एट द जंक्शन ऑफ द अपर 3rd एंड द लोअर 2/3 ऑफ द फिल्थ्रम है वहां पर ये पॉइंट DU26 है, और DU26 का मेन जो ये है काम है ये आपका एक्यूट लोअर बैक में, अगर एक्यूट लोअर बैक काम करते करते आपकी कमर एकदम से अकड़ गई अगर, तो एक्यूट जो बैक पेन होता है उसके लिए ये मास्टर पॉइंट है, तो उसमें अगर आप DU26 पिक करते हो तो इमीडिएटली आपका जो एक्यूट बैक पेन है वो ठीक हो जाता है, और आपका ये इमरजेंसी कंडीशन में तो DU26 यूज हो ही रहा है, तो रिस्टोर्स कॉन्शियसनेस आ गया यहाँ पर एक्शन में, रिस्टोर्स कॉन्शियसनेस एंड काम्स द स्पिरिट, बेनिफिट द फेस नोज एंड एक्सपेल विंड, बेनिफिट द स्पाइन एंड ट्रीट एक्यूट लंबर स्पेन, सिर्फ एक्यूट लंबर स्पेन के लिए ये काम होता है, क्रोनिक नहीं, तो अगर एक्यूट लंबर स्प्रेन पूछा है आपको तभी आपका GV26 आंसर आएगा, इट इज ओनली फॉर एक्यूट लंबर स्प्रेन GV26 इज यूज, बट वेरी वेरी इफेक्टिव। अभी दिवाली का काम मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यहाँ पे है ना इस क्लास में, तो जब दिवाली का काम करते हैं ना तो हमको अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रहता, और तब कई बार ये मैंने अपने मेड्स के लिए भी यूज किया कि तब जो एक्यूट स्प्रेन आता है लंबर स्प्रेन तो उसमें ये पॉइंट बहुत ही अच्छा काम करता है GV26, इमीडिएटली लंबर स्प्रेन को ठीक करता है, और सारे मेनियाज डिप्रेशन एपिलेप्सी के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है, तो एपिलेप्सी के लिए अनकॉन्शियसनेस के लिए जो है वो ये पॉइंट यूज करना है आपको, स्टिफनेस ऑफ स्पाइन स्प्रेन एंड पेन ऑफ लंबर स्पाइन उस सब में आप DU26 को यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है रेन मेरिडियन, 15 मिनट और ले लूं क्या, इट्स ओके इफ यू एक्सटेंड 15 मिनट्स मोर, ओके सो अगर किसी को कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो उनको रिकॉर्डिंग हम सेंड करने ही वाले हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लो, तो ये मैं कंप्लीट कर लूं हमारा सेशन। सो रेन मेरिडियन की पोलैरिटी ईन है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 24 है, रिलेटेड चैनल इसका DU है, ये बार बार मैंने आपको बोला अगर रेन मेरिडियन है तो उसका रिलेटेड चैनल DU है, अगर DU मेरिडियन है तो उसका रिलेटेड चैनल रेन है, बाकी 12 के 12 ऑर्गन मेरिडियन में उसका रिलेटेड चैनल वो खुद ही होता है। क्लिनिकल यूजेस डिसऑर्डर अलोंग द पाथवे ऑफ द चैनल लाइक जेनिटो यूरिनल जेनिटल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर एफेशिया एफोनिया। एफेशिया क्या होता है, बोल सडन लॉस ऑफ वॉइस जो होता है वो एफेशिया होता है। एफोनिया है, एफोनिया इज आपका सडन लॉस ऑफ हियरिंग है, तो फेशियल पैरालिसिस एक्सेसिव सेल्वेशन ज्यादा थूक आ रहा है, उन सब में आप रेन मेरिडियन के पॉइंट यूज करोगे, और ये ऑलरेडी हम लोग ये सारे पॉइंट पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे रेन 3 है तो रेन 3 जो हमारा है वो म्यूफ्रंट पॉइंट है, हमारा ब्लैडर मेरिडियन का म्यूफ्रंट पॉइंट है, और ये हमारा 4 चुन इंफीरियर टू द एम्बिलिकस, आपकी जो नाभि है इससे 4 चुन जो है नीचे जो पॉइंट है वो आपका रेन 3 है। सो रेन 3 को आपको याद रखना है कि आपके नाभि से एम्बिलिकस से 4 चुन नीचे है, लेकिन प्यूबिक सिंफिसिस से अगर ये पूछा है तो 1 चुन सुपीरियर है। अगर
आपका नाभि से प्यूबिक सिंफिसिस का टोटल जो चुन मेजरमेंट है वो 5 है, ध्यान से सुनो, फिर आप लोग मेजरमेंट बार बार पूछते हो ना। सो आपका एम्बिलिकस से प्यूबिक सिंफिसिस का टोटल मेजरमेंट इज आपका 5 चुन, ये पॉइंट रैंक 3। अगर एम्बिलिकस से पूछा है तो 4 चुन है और प्यूबिक सिंफिसिस से पूछा है तो 1 चुन है, 4 चुन इंफीरियर टू एम्बिलिकस है, ये हम बार बार बोल चुके हैं इसलिए फास्ट में जा रही हूँ। आपकी नाभि से रैंक 3 जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ इंफीरियर 4 चुन है, प्यूबिक सिंफिसिस से ऊपर सुपीरियर जो है वो 1 चुन है। टोटल डिस्टेंस आपका नाभि से प्यूबिक सिंफिसिस का कितना है? 5 चुन। नाभि से प्यूबिक सिंफिसिस का टोटल 5 चुन डिस्टेंस है, तो नाभि से जब हम 4 चुन जाते हैं तो हमको रैंक 3 मिलता है, नाभि से जब नीचे जा रहे तो, और प्यूबिक सिंफिसिस से 1 चुन ऊपर जाते हैं तब ये पॉइंट हमको रैंक 3 मिलता है। और ये म्यूफ्रन पॉइंट है ब्लैडर का, इतना ही याद रखना है आपको, इसके एक्शंस वगैरह सब नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि ये म्यूफ्रन पॉइंट ऑफ ब्लैडर है तो ब्लैडर के सारे एक्यूट डिसऑर्डर्स जो होंगे उसमें आपको रैंक 3 आप यूज कर रहे हैं। और रैंक 3 का एक और चीज आपको याद रखना है कि जैसे स्प्लीन 6 पे लिवर किडनी और स्प्लीन मिलते हैं, ऐसे ही रैंक 3 पे ये चैनल्स जो है ये पास होती है। आपने देखा था ना स्प्लीन 6 पे लिवर किडनी एंड स्प्लीन जो है वो मिलता है, ऐसा रैंक 3 पे भी द 3 इन चैनल ऑफ स्प्लीन लिवर एंड किडनी ऑल पासेस एंड डोमिनेट द लोअर एब्डोमेन एज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ कंसेप्शनल वेसल विद दिस 3 चैनल रैंक 3 देयरफॉर हैज अ स्ट्रांग एक्शन ऑन लोअर एब्डोमेन एज अ होल predominantly in excess pattern involving stagnation accumulation of cold or heat it is indicated for masses and severe twisting pain and both hot and cold sensation in the abdomen ye aapko jab treatment mein karna hai tab aapko kaam lagega exam ke liye aapko yaad rakhna hai ki pair mein jaise spleen 6 pe hai ye 3 meridian ka jo hai wo milti hai spleen liver kidney aise hi internally ye rank 3 pe bhi tino channel milti hai spleen liver and kidney to rank 3 ke liye aapko kitni cheeze yaad rakhni hai। सबसे पहले तो ये म्यूफ्रंट पॉइंट है, ये याद रखना है, यूरिनरी ब्लैडर का म्यूफ्रंट पॉइंट है, यूरिनरी ब्लैडर का म्यूफ्रंट रैंक 3 है, और यूरिनरी ब्लैडर का बैक शू पॉइंट जो है वो ब्लैडर 28 है, ये आपको याद रखना है। इसका एक्शन जो रैंक 3 है इसके लिए आपको याद रखना है कि नाभि से अगर हम जाएंगे तो 4 चुन पे है, अगर प्यूबिक सिंफिसिस से हम आएंगे तो 1 चुन पे है इसका, जो क्यूबिक सिंफेसिस से 1 चुन सुपीरियर है और नाभि से 4 चुन इंफीरियर है इसका लोकेशन। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है इसमें रैंक 3 के लिए वो ये है कि रैंक 3 पे इन चैनल 3 मिलती है, कौन सी? स्प्लीन लिवर और किडनी, पैर की 3 इन चैनल स्प्लीन लिवर और किडनी ये तीनों यहाँ से पास होती है, रैंक 3 के पास से पास हो गई ऑल द 3 लेग मेरिडियन। रैंक 4 भी हमने देखा कि रैंक 4 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का म्यूफ्रंट पॉइंट है, पहली चीज। इसका लोकेशन कहाँ है? तो 3 चुन इंफीरियर टू द एम्बिलिकस, नाभि से देखेंगे हम तो 2 चुन इंफीरियर है और प्यूबिक सिंफिसिस से देखेंगे तो 2 चुन सुपीरियर है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, नाभि से प्यूबिक सिंफिसिस का टोटल डिस्टेंस 5 चुन है, तो अगर नाभि से हमको अगर रैंक 4 का डिस्टेंस पूछा है तो नाभि से रैंक 4 का डिस्टेंस हमारा 3 चुन है, नाभि से रैंक 4 का डिस्टेंस 3 चुन है और प्यूबिक सिंफिसिस से रैंक 4 का जो डिस्टेंस है वो 2 चुन है, ठीक है? नीचे से पूछा है या ऊपर से पूछा है ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन को ये सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, वही आपको रैंक 4 के लिए उतना ही याद रखना है। रैंक 4 इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूपंचर पॉइंट टू प्रोमोट एंड फोस्टर द ओरिजिनल टी बेनिफिट एसेंस, फोर्टिफाइ किडनी यंग एंड नरिशेस किडनी यिंग एज वेल एज गेट ऑफ ओरिजिन, सेवरल ऑफ न्यूमरस डिफरेंट नेम्स गिवन टू दिस पॉइंट रिफ्लेक्टेड डीपली टोनिफाइंग प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल मिंगमैन गेट ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ हैंग, सी ऑफ ब्लड, सी ऑफ ची, ग्रेट सी एंड ऑफकोर्स किम्बर फील्ड। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल चाइनीज थॉट द लोअर डेंटियन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम रेन 7 to rank 4 is the resident of deepest energies of the body and the source of movement. So from examination point of view you don't need this. Then rank 5, to rank 5 ka location humko pata chalna chahiye aur mufrant point hai ye sangio meridian ka, to do cheeze aapko rank 5 ke liye yaad rakhni hai, ek to uska location yaad rakhna hai, to rank 5 ka location jo hai wo 2 chun hai, kahan se?
एम्ब्लिकस से टू चून है और थ्री चून हमारा नीचे से प्यूबिक सिंफिसिस से जाएंगे तो थ्री चून, एम्ब्लिकस से टू चून पे आएगा रेन फाइव और प्यूबिक सिंफिसिस से अगर हम देख रहे हैं तो ये टू चून आएगा और आपको इसका चून मेजरमेंट याद रखना है, न्यूफ्रन पॉइंट ऑफ सेंजो टीडब्ल्यू मेरिडियन का न्यूफ्रन पॉइंट है यही आपको इसके लिए याद रखना है। रेन सिक्स, रेन सिक्स सी ऑफ ची है, ची हाई, इट्स नेम इज ची हाई, सी ऑफ ची, ची हाई इसका नाम है चाइनीज टीसीएम में इसको ची हाई बोलते हैं, सी ऑफ ची, तो रेन सिक्स को आपको याद रखना है कि इट इज सी ऑफ ची क्योंकि बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे लाइक सी में पानी कितना सारा होता है ऐसा ही यहाँ पर बहुत सारी ची है इसलिए इसका नाम सी ऑफ ची है और ये 1.5 चून है हमारे एम्ब्लिकस से, नाभि से डेढ़ चून पे है और प्यूबिक सिंफिसिस से ये 3.5 चून पे है, टोटल डिस्टेंस 5 चून था ना, तो नाभि से डेढ़ चून पे आएगा ये और प्यूबिक सिंफिसिस से 3.5 चून पे ये आएगा आपका बॉय जो रेन 6 पॉइंट है। एक्शन फॉस्टिफाइंग ओरिजिनल ची, 25 ची, 25 किडनी, तो 25 किडनी में रेन 6 का बहुत अच्छा काम है, जितने भी वीक पेशेंट है उन सबको को एनर्जाइज करने के लिए रेन 6, बिकॉज इट इज आपको इसका नाम ही पता चल गया कि सी ऑफ ची है, तो जहां पर भी अगर वीक पेशेंट एनर्जी लो है तो आप रेन 6 को आप उसको दोगे, जो है रेगुलेट्स ची एंड हार्मोनाइजेस ब्लड, रेस्क्यू कोलैप्स ऑफ यांग, अगर यांग कोलैप्स हो रहा है तो उसको रीगेन करने में आपको रेन 6 का काम है, कोई भी अगर सपोज के ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं तब भी आप रेन 6 दे सकते हो क्योंकि ये रेस्क्यू करता है कोलैप्स को, कोई भी कोलैप्सिस को ये रेस्क्यू करता है, तो अगर कोई भी फेलियर हो रहा है ऑर्गन का तो उस टाइम पे भी आप रेन 6 दे सकते हो बिकॉज इट इज हैविंग सी ऑफ एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी है उसमें। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ची हाई इसका नेम है रेन 6 का, तो रेन 6 के लिए आपको ये याद रखना है कि उसका नाम ची हाई है, ची हाई इसका नाम इसलिए क्योंकि इट इज द सी आपका एनर्जी का सी है और किसी भी कोलैप्सिस में जो है उसको याद रखना रेन 6 के लिए कि किसी भी टाइप के कोलैप्सिस में आपको रेन 6 यूज कर सकते हैं। रेन 8 की भी हम बार बार बात कर चुके हैं, नाभि पे जो पॉइंट है वो रेन 8 है, इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्लिकस ये पॉइंट है और ये पॉइंट पे नीडलिंग नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ मोक्सिबिशन किया जाता है इस पॉइंट को और ये आपके यांग को जो है वो वार्म रखता है। रेन 6 के साथ रेन 8 को भी आप यूज कर सकते हो कोलैप्सिस को रेस्क्यू करने में, तो रेन 6 एंड रेन 8 आर यूज टू रेस्क्यू कोलैप्सिस, किसी भी चीज का कोलैप्स हो रहा है तो आप रेन 6 और रेन 8 को यूज कर सकते हो। वार्म्स एंड हार्मोनाइजेस द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास ये पॉइंट रेन 8 है तो ये इंटेस्टाइन को भी हार्मोनाइज करता है, इसीलिए जब लूज स्टूल होते हैं तो हम इसमें काला नमक डाल के और मोक्सिबिशन इनडायरेक्ट मोक्सिबिशन कर रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ द एम्ब्लिगस में है ये, ठीक है वही बार बार है रेन 8 और रेन 17 को कभी भी नीडल किया नहीं जाता है, मोक्सिबिशन आप कर सकते हो। रेन 12 है तो रेन 12 हमारा म्यूफ्रन पॉइंट है स्टमक मेरिडियन का, स्टमक मेरिडियन का म्यूफ्रन पॉइंट रेन 12 है, इसका बैक शू पॉइंट हमारा क्या है, बैक शू पॉइंट ऑफ स्टमक 20 है। ऑन द मिडल लाइन ऑफ द एब्डोमेन फॉर्चून अबव द एम्ब्लिकस एंड मिडवे बिटवीन द एम्ब्लिकस एंड द स्टेनोकोस्टल एंगल, तो अब ये आप लोगों को याद था, उस दिन मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि एम्ब्लिकस से कितना चून है रेन 12, तो आप लोगों ने सबने करेक्ट आंसर दिया था 4 चून है, तो नाभि से 4 चून पे जो पॉइंट है ये हमारा है वो दैट इज रेन 12 पॉइंट है, लोकेशन आपको याद रखना है और ये म्यूफ्रन पॉइंट है स्टमक का, ये आपको याद रखना है। रेन 8 क्यों आया वापस, देन रेन 14, रेन 14 हमारा म्यूफ्रन पॉइंट है हार्ट का, हार्ट का म्यूफ्रन पॉइंट है, सो इट इज गोइंग टू और कहां से, नाभि से ये कितना चून है, नाभि से हमारा ये ऑन द मिडल लाइन ऑफ द एब्डोमेन 6 चून अबव द एम्ब्लिकस एंड 2 चून बिलो द स्टेनोकोस्टल एंगल, सो आपका ऑन द मिडल लाइन 6 चून अबव द एम्ब्लिकस, एम्ब्लिकस से 6 चून पे आप जब जाओगे तब आपको ये पॉइंट रेन 14 मिलता है और आपका जो स्टेनोकोस्टल एंगल है उससे 2 चून नीचे है, तो स्टेनोकोस्टल एंगल से पूछा है तो 2 चून नीचे रेन 14 है और नाभि से पूछा है तो 6 चून ऊपर ये पॉइंट है, आपके नाभि से लेके स्टेनोकोस्टल एंगल का जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 चून का है, नाभि से स्टेनोकोस्टल एंगल जो है उसका टोटल मेजरमेंट 8 चून है,
तो नाभि से अगर रेन 14 को हम देखेंगे तो 6 चुन है, और रेन 12 से अगर हम देखेंगे रेन 12 को तो ये इसका डिस्टेंस 2 चुन का है। हार्ट का ये पॉइंट है तो हार्ट को सबसे ज्यादा ये बेनिफिट करता है, लंग को बेनिफिट करता है, हार्मोनाइजेस द स्टमक पे ये है तो स्टमक को भी हार्मोनाइज करता है, और डिसेंस रिबेलियस की को करता है। तो बेसिकली आपको इसका जो मेन चीज है आपको म्यूफ्रंट पॉइंट है ये हार्ट का वो आपको याद रखना है, और कितना चुन है। नाभि से अगर देखोगे तो आपका ये 6 चुन है, रेन 12 से देखोगे आप तो 2 चुन है। रेन 17 की भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि हमारा जो चौथा फोर्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस है इसमें ये पॉइंट सीवी 17 आया हुआ है। सीवी 17 हमारे ची का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, सीवी 17 हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज का जो है वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। ये सभी आपको रेन 17 के लिए इतना ही याद रखना है, एक तो के वो म्यूफ्रंट पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का, वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है ची का, वो रेस्पिरेटरी टिश्यू का भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। सो ऑल थ्री थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर फॉर रेन 17। और लोकेशन हमने इसका कई बार बात कर ली है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये पॉइंट है सीवी 17 ऑन द मिडल लाइन ऑफ द स्टर्नम इन द डिप्रेशन लेवल विद द जंक्शन ऑफ द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड द स्टर्नम। तो आपको रेन 17 की लोकेशन के लिए खाली एक ही चीज याद रखो चलेगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ये पॉइंट आता है, दोनों निप्पल के बीच में ये पॉइंट आता है जो सीवी 17 का पॉइंट है। एक इसका लोकेशन याद रखो, दूसरा याद रखो कि ये म्यूफ्रंट पॉइंट है पेरिकार्डियम मेरिडियन का। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज द म्यूफ्रंट पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम मेरिडियन। थर्ड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट इज इन्फ्लुएंशियल फॉर रेस्पिरेटरी टिश्यूज एंड इन्फ्लुएंशियल फॉर ची। इट इज इन्फ्लुएंशियल फॉर रेस्पिरेटरी टिश्यूज एंड इट इज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर ची। तो जो हमारे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का लिस्ट है ना उसमें ये है, इतना ही आपको रेन 17 के लिए याद रखना है। और रेन 22 है तो रेन 22 हमने आपको बोला था कि एक्यूट अस्थमा अगर है तब आप रेन 22 यूज कर सकते हो। रेन 17 आप क्रोनिक अस्थमा में यूज कर रहे हो, रेन 22 आप एक्यूट अस्थमेटिक कंडीशन है तो आप ये रेन 22 यूज कर सकते हो। रेन 22 का आपको लोकेशन याद रखना है, ऑन द मिडल लाइन इन द सेंटर ऑफ द सुप्रास्टेनल फोसा 0.5 चुन सुपीरियर टू द सुप्रास्टेनल नॉच। तो ये जो यू है हमारा सुप्रास्टेनल नॉच है इससे 0.5 चुन ऊपर ये पॉइंट है, और ये हमको रेन 22 को याद रखना है कि एक्यूट एस्थमेटिक अटैक में आपको ये काम आएगा। डिसेंट एबिलिटीज एंड एलिवेट कफ एंड वीजिंग बेनिफिट द थ्रोट एंड वॉइस, थ्रोट एंड वॉइस के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दिस इज जस्ट अ चार्ट जो बता रहा है कि आपकी लंग पेरिकार्डियम हार्ट में किस किस डिजीज का आता है। तो लंग पेरिकार्डियम हार्ट जो है वो उसमें जो डिजीज आती है वो अपर एक्सट्रीमिटी की आती है, चेस्ट लंग एंड थ्रोट, चेस्ट हार्ट एंड स्टमक, चेस्ट एंड हार्ट की आती है। तीन यांग मेरिडियन जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कौन से डिजीज ठीक होते हैं उस मेरिडियन से, टीथ माउथ आईज एंड नोज का होता है। सिंपल फॉर्मर से आईज ईयर थ्रोट एंड लेटरल साइड ऑफ द हेड आ रहा है, ये वाला आप लर्न कर लेना तो आपको सारे डिजीज के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे। आप सिर्फ इस चार्ट को याद रखो कि डिजीज का नाम तो कुछ भी हो सकता है लेकिन डिजीजेस रिलेटेड टू चेस्ट लंग एंड थ्रोट है वो लंग में आएगी, डिजीज रिलेटेड टू चेस्ट हार्ट एंड स्टमक है वो पेरिकार्डियम में आएगी, डिजीजेस रिलेटेड टू चेस्ट एंड हार्ट जो है वो हार्ट मेरिडियन में आएगा, और जनरली पेरिकार्डियम में जो पूछा जाएगा वो स्टमक रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं, नौशा है, वॉमिटिंग है, ये पूछा जाता है आपको पेरिकार्डियम मेरिडियन के लिए। और हार्ट के लिए चेस्ट एंड हार्ट तो हार्ट के डिसऑर्डर ज्यादा आपको हार्ट में पूछे जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में टीथ माउथ आईज एंड नोज के डिसऑर्डर आएंगे। ट्रिपल फॉर्मर में आईज ईयर थ्रोट एंड लेटरल साइड ऑफ द हेड की जो डिजीज है वो ट्रिपल फॉर्मर में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हेड नेक आईज ईयर एंड थ्रोट के डिसऑर्डर ठीक होते हैं। थ्री ईंग मेरिडियन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी लिवर स्प्लीन किडनी में यूरोजेनिटल स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इसके अलावा थ्रोट लंग इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल सिस्टम किडनीज में आता है। स्टमक लिवर और गॉलब्लैडर में फेस टीथ माउथ थ्रोट एंड हेड लेटरल साइड ऑफ हेड आईज ईयर्स लेटरल साइड ऑफ चेस्ट हेड नेक आईज एंड बैक, ये वाले चार्ट को सिर्फ देखना तो आपको सारे जो उसके वो है डिसऑर्डर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी डिसऑर्डर आप लर्न नहीं करो, आपको सिर्फ क्या लर्न करना है कि मेरिडियन टोटल मेरिडियन के पॉइंट्स कितने हैं, उसका पर्टेनिंग ऑर्गन कौन सा है, उसका फ्लो सेंट्रीपिटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है वो याद रखना है, और उसके एक्शन याद रखना है, उसके अलावा कौन से जगह की डिजीज उसमें आती है जो चार्ट है वो इतना ही याद रखना है, सारे डिजीज आप याद नहीं रख सकते हो। सो इट इज ऑलरेडी 5:30।
ओनली एक्स्ट्रा मेरिडियन जो है हमारे वो मैं आपको शेयर कर दूंगी उस पर, सिर्फ एक्स्ट्रा मेरिडियन के जो पॉइंट हमारे सिलेबस में है उतने ही हमको करने हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। कर दिया आपने, सरिता मैडम ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, और एक्स्ट्रा मेरिडियन का चाहिए तो वी कैन मेक अ वीडियो ऑल्सो एंड सेंड फॉर देम। सो जितना भी हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को हेल्प करूंगी। आज का जो सेशन था वो थोड़ा फास्ट इसीलिए किया हम लोगों ने, क्योंकि अब ये सारी चीजें मेरी पढ़ाने की कम और आपके याद करने की ज्यादा है। जो मेरी पढ़ाने की थी वो पहले के जो 5 days थे वो मेरे पढ़ाने का चीज था, बाकी के पीछे के जो 3 दिन थे उसमें मेरा पढ़ाने का ज्यादा नहीं है, आपका लर्न करने वाला जो है वो आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा और बार बार लर्न करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि इन वीडियोस को आपको सेंड किए ही है, तो आप इन वीडियोस को बार बार देखते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते रहिए, और बिल्कुल भी स्ट्रेस आप लोगों को नहीं।